भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। ए मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने, बिगड़ी को बनाने। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। ती पापियों को पाप से है ता। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की। मोर मुकुट बांसुरी वाले की जय। गिरिराज धरन की जय। ओम लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम युद्यद्दिवाकर करो ज्वल कायकांतम विघ्नेशरम सकल विघ्नहरम नमामि। विघ्नेशरम सकल विघ्नहरम नमामि। या कुंदइंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुति वी देवहि सदा वंदिता। सामं पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापह। मम नाथ श्री जगन्नाथ, मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं प्रवरजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायिनो विरहकातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मे तया तर्वो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
मुनिमानतोऽस्मि भूतैर्महेद्भिर्ययिमा पुरो विभुं निर्मायसे ते यदंशु पुरुषं भुङ्क्ते गुणान् षोडशषोडशात्मकः सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे श्रीमत्सद्गुरु सरकार की जय। वृंदावन बिहार। एक भागवत को चढ़ा दे माला। एक होना ना, एक ही थे वो। देख एक और होंगे। अच्छा भूतैर् महेद्भिर्ययिमा पुरो विभु निर्मायसे ते यदमूषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशषोडशात्मकः सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु नाम संकीर्तन हम और आप बड़ी मस्ती के साथ करेंगे। एक बार मैं बोलूँगी, दूसरी बार आप सभी लोग बोलने की कृपा करें। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम
राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे गुरु शक्ति दो गुरु भक्ति दो मैं सहूं सभी की बात रे मेरा मन मेला ना होवे कभी गुरु शक्ति दो गुरु मैं सहूं सभी की बात रे मेरा मन मेला निंदक को मैं नेड़े राखो दूर न जाने दू निंदक को मैं आपन खाऊं भूखा रह कर उसको भोजन दूं आपन खाऊं जन दूं गुरु जी उसको भोजन गुरु शक्ति दो गुरु भक्ति दो नहीं पूछूं उसकी जात रे मेरा मन में लाना होवे कभी गुरु शक्ति भक्ति दो नहीं पूछूं उसकी मेरा मन में लाना वे कभी गुरु शक्ति दो गुरु भक्ति दो मैं सहूं सभी की बा रे मेरा ये जो कोई निंदा करे हमारी उसकी करूं भलाई तन मन धन से जो कोई निंदा करे हमारी उसकी करूं भलाई जो कोई निंदा उसकी करूं भलाई कुछ भी चर्चा करे जगत में सब ही लोग लुगाई गुरु जी सब ही लोग गुरु शक्ति दो गुरु भक्ति दो चाहे गाली दो दिन रात रे मेरा मन मेलाना होवे कभी गुरु शक्ति दो दिन मेरा मन मेलाना होवे कभी गुरु शक्ति दो गुरु भक्ति दो इधर कर दे वो मैं सहूं सभी की बात रे मेरा मेलाना होवे कभी जन्म जन्म का मित्र है निंदक कहूं बजा कर ढोल जन्म जन तन मन धन से
करूं मैं सेवा मीठे बोलूं बोल। बोल गुरु जी मीठे बोलूं, गुरु शक्ति दो भक्ति दो, इस दास की रख लो लाज रे, मेरा मन में लाना होवे कभी। गुरु शक्ति दो गुरु, मैं सहूं सभी की बात रे, मेरा मन में लाना होवे कभी। गुरु शक्ति मैं सहूं सभी की बात रे, मेरा मन में लाना हो कभी, मेरा मन में ला होवे कभी, मेरा मन मैला। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम मधुर भगवत रस से भरे हुए पदे पदे स्वादु स्वादु ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम लोग गत 5 दिनों से सुनते आए, आज छठा कल 7वां अंतिम दिन। भगवान जी मधुर मधुर अनेक लीलाएं करके अपने तरह अपने भक्तों का मन आकर्षित करते हैं। भगवान अब गिरिराज की पूजन की लीला कर रहे हैं। सबने कहा कि लाला इंद्र की पूजा का विधान तो हम लोगों ने बहुत साल से करते हैं तो जान रहे थे, लेकिन गिरिराज जी की पूजा का विधान तो हम लोग जानते नहीं हैं। तो नंद लाला ने नंद बाबा से कहा, बाबा मैं हूँ ना उनका पुजारी, मैं सब कुछ जानता हूँ। अब यहाँ पर भगवान ही पुजारी, भगवान ही पूजक और भगवान ही पूजा का सामान बने हुए, पूजक पूजक और पुजारी सब कुछ भगवान बन गए हैं। और हम सब लोग गिरिराज जी पर पहुँच गए हैं, गिरिराज जी की पूजा की तैयारी चली है। अब बताओ लाला पहले क्या करना है? बोले गिरिराज जी को स्नान करवाना। अब सभी लोग अपने अपने घरों से अपने अपने जो बर्तन थे कल से थे उससे जल ला कर और गिरिराज जी का स्नान कराने लगे। और गिरिराज जी थे 7 कोस के, लाते लाते जल सब ग्वाल बाल थक गए पर गिरिराज जी का स्नान पूरा ही नहीं हुआ। और सब कहने लगे, लाला कन्हैया तेरो गिरिराज जी तो बहुत बड़ो है, हम तो सब जल लाते लाते थक गए और गिरिराज जी का स्नान ही पूरा नहीं हो रहा। लाला कन्हैया ने कहा, मेरे गिरिराज जी जब बड़े हैं तो उनकी शक्ति भी बहुत बड़ी है और उनकी भक्ति भी बहुत बड़ी। तुम सब लोग आँख बंद करो। सबने आँख बंद करी। अब बोलो, अब आँख खोलो। आँख खोली तो नदी आ गई। नदी, अरे नदी नहीं है, यह तो गंगा है, इसका नाम मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा की। अब उसमें दूध धार का जल आने लगा, सब लोग पास ही पास में ले लेकर जल और भगवान को चढ़ाने लगे गिरिराज जी को, और स्नान हुआ। अब क्या करना? भगवान ने कहा, देखो हमारे गिरिराज जी बहुत कोमल है तो उनको नरम नरम तौलिया से श्रीअंग को पोंछना, उनका श्रीअंग बहुत कोमल होता है। हम क्या करते हैं, अपने लिए तो सारे कुछ बढ़िया से बढ़िया सामान लाएंगे पर ठाकुर जी के लिए घटिया से घटिया से घटिया सामान लाएंगे। बोलेंगे पूजा के लायक कपड़ा दे दो, और दुकानदार भी होशियार ही होता है तो ऐसा कपड़ा देता है कि भगवान को एक बार पोछे कि वो फिर पोछा लगाने के लायक भी नहीं रहता। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भगवान ने हमको सब कुछ दिया है तो भगवान के लिए उत्तम से उत्तम वस्तु ही लानी चाहिए और भगवान के कार्य में लगानी चाहिए। नरम नरम तौलिया से उनका श्रीअंग पोछा गया, फिर उनको तिलक लगाया गया। तो कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। भगवान को रोली का तिलक लगाओ लेकिन उसके ऊपर मोती लगाओ, फिर भगवान को सजाओ चंदन से, फिर भगवान को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ, भगवान का श्रृंगार फूलों से करो, माला पहनाओ, आरती करो, अब भोग लगाओ। अब सभी लोग अपने अपने घर से भोजन बनाकर तो लाया ही हुआ था, सब ने गिरिराज जी को भोजन लगाया। और गिरिराज जी को जब भोजन लगाया तो नंदलाल कन्हैया ने पूछा, बाबा तुम कितने साल से इंद्र की पूजा करते हो? बहुत साल से, हमारे पिताजी पिताजी के पिताजी पिताजी के पिताजी बहुत साल से, बहुत पीढ़ी हो गई। तो बोले तुम्हारो इंद्र कभी तुम्हें दर्शन दियो? बोले ना। बोले कभी तुम्हारे हाथ से कुछ खाया पिया? बोले ना।
मेरे गिरिराज जी प्रत्यक्ष है, देखना अब तो गिरिराज जी को भोग लगाए और जो भोग लगाए घट ऋषि जैसे अगस्त ऋषि कल वैसे ही पाने लगे। जब प्रसाद पाने लगे तो सब ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया तू हमको दे दे कर खाता है, गिरिराज जी अकेले अकेले पाए जा रहे हैं, कुछ हमारे लिए बचेगा कि नहीं। कन्हैया ने कहा, सारे वो ऐसे मत बोलो, मेरे गिरिराज जी जितना खाते हैं दुगुना बना देते हैं, अनंत गुना बना के देते हैं, मेरे प्रभु की यहाँ कुछ कमी थोड़ी ना। आँख बंद करके प्रेम से भोग लगाओ। आओ आओ रसिया मेरे मन बसी, मेरा भोग करो सिविकार रे, अब आकर भोग लगा। हाँ वो कुछ तो लगाओ भोग, सिया मेरे मन आगरे का पेठिया है ना, मेरे भोग करो स्वीकार रे, अब आकर भोग लगाओ रस। शबरी के वीर सुदामा के चाव, रुचि रुचि भोग लगाओ सावरे, रुचि रुचि भोग। आओ आओ रसिया मेरे मन बसिया, मेरा भोग करो सेविका रे रे, अब आकर भोग लगाओ। ऐसो भो लगाओ मेरे रसिया, सब अमृत हो जाए सावरे, सब अमृत हो जाए। आओ आओ रसिया मेरे मन बसिया, मेरा भोग कड़ी चावल उन्हें बहुत पसंद है रे, अब आकर भोग गाओ रसिया। ऐसो भो यहाँ रख दो रसिया, सब अमृत बन जाए सावरे। मीठे चावल नहीं बनाए क्या, केसरी नहीं बनाए ना। आओ आओ रसिया मेरे मन यहाँ रख देना, मेरा वो यहाँ है ना भगवान, नहीं वो थाली रखने दो ना, यहाँ वो थाली रख दो। कर भोग लगा सब भक्तों की यही बिनती, आकर दर्श दिखाओ सावर, आकर दर्श दिखाओ। आओ आओ रसिया मेरे मन ब, गिरिराज धरन की। बैठ जाओ सब लोग। उस समय क्या हुआ कि भगवान प्रत्यक्ष में आके प्रसाद पाने लगे और सबको भगवान ने दर्शन दिए, क्योंकि एक रूप में तो भगवान गिरिराज जी थे ही, दूसरे रूप में और गिरिराज जी बन गए, पूजक पुजारी सब कुछ भगवान। तो यशोदा मैया ने और रोहिणी जी ने देखा तो रोहिणी जी ने कहा यशोदा जी को कि यशोदा जी ये गिरिराज जी को तो मुँह हमारे लाला कन्हैया के जैसो ही लग रहे हैं। तो यशोदा जी ने कहा हाँ मुँह को भी ऐसे ही लग रहा, क्या करें। तो लाला से पूछा, लाला ये गिरिराज जी का मुँह तो तेरे मुँह जैसे ही लग रहा है। लाला कन्हैया कहने लगे, मैया जिस गाय का दूध मैं पीता हूँ उसी गाय का दूध ये भी पीते हैं, इसलिए हमारा दोनों का मुँह एक ही जैसा बन गया है। हमारे ठाकुर जी की वाणी में बड़ी चतुरता है और बड़ा प्रेम है, बड़ा रस है उनकी वाणी में। वचनम मधुरम, चरितम मधुरम, हसनम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, सब कुछ मधुराधिपते अखिलम मधुरम, उनका सब कुछ मधुर है। इस तरह से गिरिराज जी का पूजन हुआ। गिरिराज जी का पूजन होने के बाद सभी लोग बैठ के भोजन पाए। कन्हैया अपने छोटे छोटे हाथों से प्रेम से सबको परोस रहे हैं और कन्हैया ने कहा खाओ खाओ भैया पेट भर के मन भर के, लेकिन झूठा मत छोड़ो कन भर के। भोजन का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, प्रसादी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पर लोग प्रसाद लेंगे ना अहंकार के कारण उसको झूठा छोड़ेंगे। जितना भाव है उतना लेओ और प्रेम से खाओ, तो बर्बाद मत करो। अन्न का बर्बाद जो करता है उसको फिर भूखा भी मरना पड़ता है, ध्यान देना।
श्रुति भगवती कहती है अन्न का और कन्न का और क्षण का। क्षण मतलब एक क्षण भी हमारा भगवान के नाम के बिना या फालतू बातों में जा रहा है तो क्षण क्षण का दुरुपयोग हो रहा है। श्री डोंगरे जी महाराज जी लिखते हैं और बोलते भी थे कि क्षण क्षण का सदुपयोग करो और कण कण का भी सदुपयोग करो। प्रेम से सब लोग पाए और कहने लगे लाला प्रसाद तो इतना स्वादिष्ट बना है कि पेट भर गया पर फिर भी मन नहीं भरा। भगवान ने कहा पेट भर गया तो ज़्यादा मत खाओ, कम खाओ और गम खाओ। मनुष्य कम भी नहीं खाता और गम भी नहीं खाता, पर शास्त्र में और संतों ने ऐसा ही कहा कि कम खाओ और गम खाओ। सद्गुरुदेव भगवान की, उसके बाद में सबने दंडवत प्रणाम किया और परिक्रमा की गिरिराज्य की, और गिरिराज्य की परिक्रमा करने के बाद सब अपने अपने यहाँ गए और पता चला इंद्र को कंकर पत्थर देव बने, देवों का नहीं ठिकाना है, देवों का नहीं है, देवों का नहीं है, देवों का नारायण नारायण करते हुए नारद जी ने कहा इंद्र अरे कंकर पत्थरों की गिरिराज जी की पहाड़ पर्वत की तो पूजा होने लगी है और देवों की तो छुट्टी हो गई है। अरे भगवान अब वो तो बहुत ये हो गया, लाल बबूला हो गया और कहने लगा गनम सवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणाम इंद्रम प्रचोदयत क्रोधो वाक्यम चोहषमान्युत वाचालं बालिशं शब्द अज्ञम पंडित मानिनम। वो वाचाल है, अज्ञानी है, बालक है, अज्ञानी है, मूर्ख है। भगवान को बहुत सारी गालियाँ दे दी इंद्र ने और कह दिया कि ए सवर्तक नाम के तू मेघ इतनी वर्षा कर, इतनी वर्षा कर, इतनी वर्षा कर वहाँ गोवर्धन में जाके कि कोई भी वहाँ का कुछ भी न बचे। अब वो सवर्तक नाम का मेघ आया और उसने मूसलधार बरसना शुरू कर दिया और सारे के सारे गोप बालक भगवान जी के शरण में आ गए। गोप गोपाच सी सारता गोविंदम शरणम ययु, हे भगवान हम आपकी शरण में आए हैं अब आप हमारी रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महाभाग तुम नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमरहसि देवन कुपिताम भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल भगवान हमने पहले ही बोला इंद्र की पूजा नहीं की जाएंगी तो इंद्र कुपित हो जाएगा। तो भगवान ने कहा मैंने आपको पहले ही कहा कि जब छोटे देवता रुष्ट हो जाते तो बड़े देवता रक्षा करते हैं, आप क्यों चिंता करते हो। अरे गिरिराज जी रात को ही मेरे स्वप्न में आके बोले कि कन्हैया तू मेरे पास आ जाना और मैं हल्का फुल्का होके तेरी उंगली पर बैठ जाऊँगा और सबके रक्षा करूँगा। चलो सब कहाँ गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन प्रभु प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तु गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम न गिरिराज धरण। अब गोकुल के सभी ग्वाल बाल बछड़े गैया बड़े छोटे सब के सब गिरिराज जी पे चले गए। बरसाना के भी सभी लोग, नंदगाम के सब लोग, गोकुल के सभी लोग और गिरिराज जी के पास गए। बोले उठाओ गिरिराज जी। कन्हैया ये सात कोस को गिरिराज जी कैसे उठाएंगे। अरे बोले इतने दिन चोर चोर के माखन जो खाते रहे ताकत तो आई होंगी, करो प्रयास तो करना ही चाहिए। गिरिराज जी ने मेरे कान में कहा है कि उठाओ मैं उठ जाऊँगा। अब सब ने मिलकर उठाए उठ गए। अरे कन्हैया बड़ी ताकत आ गई हमें। हाँ ऐसे ही तो अपन रोज माखन खाते थे ना गोपियों के यहाँ का। बोले हाँ तो अब उठा लिया सबने मिलके गिरिराज जी पे, भगवान ने उंगली लगा ली और गिरिराज जी उस पर धारण कर लिए। सात दिन तक सात कोस के गिरिराज जी और सात साल के हमारे बाल कन्हैया लाल, केवल सात साल के, और गिरिराज जी को उठाए रहे और मधुर मधुर बांसुरी बजाते रहे। सबका मन भगवान के चरणों में लगा हुआ था, किसी को कुछ पता ही नहीं चला, न भूख का न प्यास का पता चला। और सात दिन पूरे हो जाने पर
तो फिर भगवान ने कहा कि अब देखो लगता है सूरज भगवान निकल गए हैं और बरसात बंद हो गई है, आप सब लोग आप बाहर निकलो। और सबको बाहर निकाल दिया, धीरे से गिरिराज्य को वहाँ के वहाँ स्थापित कर दिया। और सब लोग बाहर आ गए, अब सबको आश्चर्य होने लगा कि, और फिर क्या हुआ, दो चार दिन के बाद, पाँच छः दिन के बाद, सात दिन तक रहा ना, मैया ने कहा मेरा छोटा सा कन्हैया है, तुम तो कभी लुढ़क जाते हो, गुड़क जाते हो, बैठ जाते हो, उठ जाते हो, वो तो खड़ा का खड़ा ही है, उसकी छोटी सी उंगली, छोटा सा हाथ, कोमल सा हाथ है, कहीं उसका हाथ लचक ना जाए, पचक ना जाए, तुम लोग सब मिल के उठाओ, सब मिल के उठाओ। तो सब बोले कन्हैया काहे तू जब से बैठा, तू थोड़ी देर तू भी आराम कर ले, हम सब उठा लेंगे। अच्छो उठा लोगे? बोले हाँ 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 उठा लेंगे, कुश्ती में कितनी बार हराया तेरे को, और कुश्ती में भगवान हार भी जाते थे, क्योंकि भगवान तो भक्त वत्सल है ना, अपने भक्तों के सामने हारने में उन्हें मज़ा आता, आनंद आता है, खुशी होती है। तो भगवान ने थोड़ा सा हाथ नीचा किया, कुट 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 उनकी दुकुटिया टूटने लगी, लकड़ी लगा रखी थी सबने अपने अपनी दुकुटिया। भगवान को बोला पकड़ पकड़ पकड़, कन्हैया पकड़ लेने तो मर जाएंगे हम। कन्हैया थोड़ा सा हाथ नीचा करा, अपनी लकड़ियाँ टूट गई, और अपन तो ढेर ढेर खा के ऐसे ही मिट्टी के ढेले बन रहे हैं, और कन्हैया ही उठा रखा, अपन तो समझे कि हम सब मिलके उठाएं। कहने ने कहा और क्या, हम सब मिलके उठाएं। अरे कन्हैया थोड़ा सा हाथ तूने नीचे किया, हमारी लकड़ियाँ टूटने लगी, हम तो सब मिलके नहीं, तू नहीं उठाया, तू अपने आप को छुपा रहा, लेकिन हम समझ गए। तो अब सब समझ गए कि सात दिन तक ये गिरिराज जी को उठाने वाला तो ये कैला ठाकुर है, लेकिन सब कुछ करते हुए बोलते मैं कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि उनको अहंकार नहीं है। और जीव को थोड़ा सा भी करता है ना, मैंने किया, मैंने भागवत कराई, मैंने 10,000 लगाए, 10 लाख लगाए, 5 लाख लगाए, अरे तेरे को पहले भगवान ने दिया, ध्यान देना, पहले किसने दिया, फिर भगवान ने कितना सारा दिया, उसमें से 4 लाख 5 लाख 2 लाख हम लगाए, तो वो भी नहीं कि सारा का सारा ही लगा दिया, सारा का सारा कोई लगाता है क्या, नहीं लगाता ना। और फिर बोलता मैंने लगाया, तो भगवान बोलते हैं कि सब कुछ मैं करता हूँ, पर फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन जो कुछ भी नहीं कर सकता फिर भी मैं करता है, तो ये मेरे गोविंद को अच्छा नहीं लगता है। भगवान ने कहा कि भाई सबने मिल के उठाया, सबने कहा कि हमने मिल के उठाया, तो हमारी लकड़ियाँ टूट गई। अब चर्चा होने लगी, सब लोग इधर उधर दौड़ने लगे, कन्हैया से दूर रहने लगे, भाई कोई अपराध बन जाएगा, ये तो कोई बड़ो देवता है। फिर एक सभा भराई, उसमें उपनंद बाबा, नंद बाबा, यशोदा मैया, कन्हैया, दाऊ भैया सारे आए, और सबने चर्चा की कि बाबा लगता है ये कन्हैया तुम्हारा लाला नहीं, ये कोई बड़ा देवता है। नंद बाबा ने कहा ऐसी बात मत करो भाई, कन्हैया तो मेरो ही है। और यशोदा मैया कहने लगे कन्हैया मेरो ही है, हम लोगों का है। तो बोले कि बाबा फिर इसने 7 दिन तक 7 कोस का गिरिराज जी कैसे उठाया, कन्हैया कैसे उठाया रे? कन्हैया ने कहा कछु माखन को बल रहो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा ते गिरिवर लियो उठाय। मैंने तो श्री जी की कृपा से गिरिराज जी उठाया, हमारे वृंदावन में राधा जी की महिमा है, याद रखना हो। कन्हैया को कोई पूछता नहीं ज़्यादा, पर कन्हैया का नाम इस ले लेते हैं कि कन्हैया का नाम लेने से श्री जी प्रसन्न होती है, हमारे श्री जी प्रसन्न हो इसलिए लेते हैं वहाँ से। मिश्री सो भी मीठो नाम हमारी, राधा रानी को भी, ब्रिज में तो राधा की राधा रानी है पूज्य, कन्हैया तो छोड़ के चले जो गए थे, तो इसलिए इतना कन्हैया का वहाँ पर नहीं है जितना राधा रानी का। राधे राधे बोलेंगे आपको जो कोई भी वृंदावन में जब आओगे तो क्या बोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे, है ना, राधे 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 राधे। मिश्री सो भी मीठो नाम हमारी राधा सुना दूंगी कभी याद होगा तो कहने का मतलब है कि भगवान ने ऐसा कहा। फिर भी सब लोगों ने शंका करी कि भगवान इतने छोटे से और एकदम भगवान ने इतना बड़ा गिरिराज जी उठाया, हमें शंका हो रही है, ये बताओ कि इन्होंने ये गिरिराज जी कैसे उठाया। तो भगवान ने कहा एक बात और है, गुप्त बात बताऊँ, बोले बता दो। बोले मेरे गुरु ने मेरे को एक मंत्र दिया था और कहा था कि लाला तू इस मंत्र को कहेगा तो जो तेरी इच्छा होंगी वही तेरे बड़े बड़े काम इस मंत्र से शक्ति से हो जाएंगे। मंत्र में तो शक्ति होती है,
बोले हाँ, तो बोले जब मैं ये मंत्र बोलता तुम मेरे तरफ देखते तो तुम्हारी शक्ति भी मेरे अंदर आ जाती थी। तो याते मैंने योग्य राज्य उठाए। अरे बालक कहने लगे तभी हम कमजोर कमजोर से लग रहे हैं। भोले वाले सरल बालक ब्रिज के। तो इस तरह से भगवान सब कुछ करते हुए भी अपने को अकर्ता मानते हैं। मनुष्य भी अकर्ता अभोक्ता अपने को माने तो उसको फिर कोई दोष नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। बड़े बड़े दुष्टों को मारने के बाद, बड़े बड़े ब्राह्मणों को मारने के बाद, महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कहा मैंने मारा, भीम ने कहा मैंने मारा, तो भगवान ने कहा हे भगवान अब तो बड़ी आपत्ति आ गई, ये मैं करेंगे तो सारे दोष इन पर आ जाएंगे। अपन जो अपने को कर्ता मानता है तो वो फिर भोक्ता भी बन जाता है। गुरु जी ने कहा कर्ता बनो न भोक्ता बनो, और कर्ता बनोगे तो भोक्ता बनना होगा। हाँ बनना होगा, बनना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि तुम लड़ रहे थे तो तुम्हें इतना नहीं मालूम, पर वो एक देख रहा था, उसका नाम था श्याम, खाटू के श्याम वाले बोलते ना, बरबरी नाम था उनका। वो देख रहा था उसके मस्तक से, उसने वरदान मांगा था भगवान ने कहा तेरे को इच्छा है, बोले मेरी इच्छा है युद्ध देखने की, तो उसका मस्तक रख दिया गया था। उस मस्तक के दानी, शीश के दाने भी कहते ना उनको, शीश भगवान को दिया था उन्होंने, तो उससे देख रहे चलो उनको पूछेंगे। तो बोले ये बताओ कि अर्जुन ने कितने मारे, भीम ने कितने मारे, उसने कितने मारे, ये सब बोल रहे मैंने मारा ज़्यादा, मैंने मारा, महाभारत का युद्ध मेरे वजह से जीता, मैं करता हूँ। तो बोले कि वो बोला बरबरी, बोले हमको तो कोई भी मारता देखा नहीं, एक तो भगवान का सुदर्शन चक्र था और दूसरा द्रौपदी की खप्पड़ थी, द्रौपदी की खप्पड़ शक्ति, द्रौपदी की खप्पड़ और सुदर्शन भगवान का, बस दो ही नहीं मारा। भगवान मारते हुए भी मारते दिखते नहीं, भगवान रक्षा करते हुए भी रक्षा करते दिखते नहीं, भगवान सब कुछ करते हैं पर दिखते नहीं। भगवान को कोई जान नहीं सकता, कौन जान सकता है। सो जाना हूँ जे ही देव जनाई, जानत तुम ही हो जाए। वो जान सकता है जिसको भगवान जनाना चाहते अपने आप को, कि ये मेरे को जान ले, ये जानने के योग्य, इसका अधिकारी, ये पात्र, ये पात्र है मेरे को जानने के लायक। तो साधारण हमारे जैसे जीव ठाकुर जी को नहीं, साधारण संतों को भी नहीं जान सकते। हमारे जैसे तो दिखते वो, तो हम समझते जैसे हम ऐसे हुए नहीं, बहुत अंतर है। शरीर भले ही हमारे जैसे हाथ नाक कान है, लेकिन उनकी महिमा, उनके हृदय में सदा भगवान रहते हैं, उनके तार भगवान से जुड़े रहते हैं, इसलिए वो सदा ही परमानंद में तो रहते हैं। भगवत स्वरूप भी माना है संत सदाचि श्रीमंत, संत सदाचि श्रीमंत, त्यांच्या हृदय भगवंत, त्यांच्या हृदय भगवंत, त्यांच्या हृदय भगवंत। महाराष्ट्र के कवि कहते हैं उनके हृदय में गोविंद, गोविंद सबके हृदय में है, हमारे बिन तुम्हारे बिन, लेकिन हृदय से अर्जुन तिष्ठते भगवान स्वयं कहते हैं, पर हम उनकी अनुभूति नहीं करते हैं, हम उनकी तरफ देखते नहीं, हमारे पास समय ही नहीं, हम तो संसार में बहिरंग दृष्टि में जी रहे ना, हमें तो अपना पोता बेटा इसका मुख और उसका मुख, दो दिन नहीं देखे तो तेरे बिना मेरा आज तो मन ही को नहीं लग रहे थे, अरे लल्ला तो कटे चलेगा। तो हाँ उस लल्ला के बिना तो मन नहीं लगता, ठाकुर जी के मेरे गोविंद के लिए ऐसा नहीं होता कि आज मैंने गोविंद जी को एक मिनट भी बैठ के रिझाया नहीं, प्यार नहीं किया, बात नहीं की, एकांत में बैठ के ठाकुर जी से बात करो, बहुत दिन हो गए, अब थोड़े दिन रहे, पता नहीं कब छूट जाएगा ये जीवन, और अब तो ऐसी भयंकर बीमारी भी आ गई है, कोरोना कोरोना, हे भगवान, भगवान ही करुणा करें, हम तो रोज कहते हैं प्रभु करुणा ऐसी करो कि कोई भी करुणा से नहीं मरे, चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो, सब में तो मेरे ही गोविंद है, कोई भी ना मरे, हम तो यही चाहते, लेकिन हमारे चाहने से क्या होता है, पर शुभ विचार तो रखना ही चाहिए, सबका मंगल हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामय, संत किसी को कभी शाप नहीं देते, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, यदि ये बुरा यदि कोई चाहते हैं तो वो संत ही नहीं होंगे, भले ही वो भगवे कपड़े पहने हो, चाहे वो लाल कपड़े पहने हो, चाहे गुलाबी पहने हो, चाहे सफ़ेद पहने हो, कपड़ों से कोई फर्क नहीं गिरता है, पर फिर भी कपड़ों का भी अपना महत्व है, पर भाव शुद्ध ही होना चाहिए। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो,
बंधन और मोक्ष का कारण मन है, इसलिए मन को शुद्ध करना है। गुरु शक्ति दो, गुरु भक्ति दो, मैं सहूं सभी की बात रे, मेरा मन मैलाना होवे कभी, मन मैला नहीं होवे हमारा, मन को शुद्ध करना है। तो ये जो गिरिराज जी की कथा है, भगवान की बड़ी सुंदर लीला है। फिर एक ग्वाला ने कहा, प्रभु नंद बाबा यशोदा जी, मेरा एक छोटा सा और प्रश्न है, पूछो। नंद बाबा ने कहा, क्यों भैया, पूछो पूछो। तो बोले, बाबा आप गोरे गोरे, राधा रानी गोरी गोरी, यशोदा मैया गोरी गोरी, गाय धोरी धोरी, माखन धोरो धोरो, तो कहना यो कारो क्यों, तुम तो बोलते मेरा ही लाला, मेरा ही लाला। सात दिन तक एक गिरिराज जी को 7 साल के कन्हैया ने उठा के एक उंगली पे रखा छोटी सी, मेरो ही है बड़ो देवता नहीं, तो कालो कैसे हुयो। तो मैया देखने लगी लाला की तरफ, लाला ने कहा कि मैया तेरे ही भूल से काला हुआ। मेरी भूल क्या भैरी कन्हैया? बोले, मैया उस दिन रात को 12 बजे मेरा जन्म हुआ, अष्टमी रात्रि थी और अंधेरा हो रहा था, और अंधेरे में बोले तू तो सो गई और मैं बोले करवट बदलता रहा, अब अंधेरा मेरे चिपक गए और उससे मैं काला हो गया। ने जन्मा था ना मैया, एकदम तेरे जैसा गोरा गोरा था। मैया कही, हाँ उस समय मुझे नींद तो आ गई थी, क्योंकि योग माया के कारण पूरा गोकुल गांव सोया हुआ था, आपने सुना। और उसी समय वसुदेव जी ने लाकर गोकुल में कन्हैया को यशोदा जी के पास सुला दिया, और यशोदा माई को जो लाली हुई थी उसको उठा के ले गए थे, ऐसी कथा आती है। तो राधा जी ने भी एक दिन पूछा कि कन्हैया आप काले क्यों हो? तो बोले, तुम्हारी महिमा बढ़ाने के लिए काला हुआ, मैं भी गोरा रहता तुम भी गोरे रहते तो लोग ऐसा नहीं बोलते थे ना कि राधा रानी हमारी गोरी गोरी। एक दिन गोपियों ने पूछा, तो गोपियों को कहने लगे कि तुम है ना मेरे को अपनी आँखों में रखती हो और उसी आँखों में काजल भी लगाती हो, तुम्हारे आँखा काजल लग लग के मैं काला हो गया, वरना मैं पहले गोरा था। और दुर्योधन ने पूछा, तो बोले मैं तेरा काल हूँ। भक्तों को क्या कहा, अनेक जलमार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये। अरे भक्तों, तुम्हारा पाप मैं, गौरांग महाप्रभु जी ने भी जब जगाई मगाई का पाप लिया तो एक बार उनका श्री अंग काला काला सा हो गया था। तो यह मधुर लीला है यहाँ पर, इसलिए भक्त कहते हैं कि राधा रानी हमारी गोरी गोरी की नवल किशोरी, कन्हैयो तेरो कालो है राधा रानी। राधा रानी हमारी गोरी गोरी की नवल कन्हैयो तेरो कालो, कालो नहीं है मत वालो जगत उजियारो, की राधा जो को प्यारो है कारो नहीं जगत उजियारो, की राधा जो को राधा रानी हमारी गोरी गोरी की नवल किशोरी, कन्हैयो तेरो राधा रानी हमारी गोरी गोरी की नवल किशोरी, कन्हैयो तेरो कालो नहीं है मत वारो जगत उजियारो, की राधा जो को। भगवान की ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति करी, पर भगवान ब्रह्मा जी से बोले नहीं। क्यों? कि भगवान ने ब्रह्मा जी ने भगवान के भोजन में बाधा डाले थे, भगवान के नहीं, ग्वाल बाल सब भोजन कर रहे थे। दूसरी बात, उनके ग्वाल बाल उनसे दूर कर लिए थे, उनके बछड़े उनसे दूर कर लिए थे, और ये सब भगवान के अनन्य भक्त। भक्त को जब भगवान से दूर कर लिया जाता है तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। इंद्र ने भगवान के भक्त मिला दिए थे, इसलिए इंद्र ने केवल 11 ही श्लोकों में स्तुति की, और भगवान इंद्र से बोले भी हैं। फिर सुरभि माता ने भी आकर भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व भावन भा विश्व संभव भवतालोकनाथे न सनाथ वयम अच्युत। हे अच्युत, अच्युत शब्द का संबोधन किया है भगवान को यहाँ पर गो माता ने, अच्छे शब्द दिया और अपनी दूध धार से
भगवान का अभिषेक भी किया। फिर तो इंद्र ने भी एरावत हत्ती पर आकर और आकाश गंगा से भगवान का अभिषेक भी किया है, स्तुति भी की है भगवान की और भगवान से माफ़ी भी मांगी है। भगवान ने इंद्र को माफ़ कर दिया। अब यहाँ पर भगवान ने इंद्र का अभिमान नष्ट किया, अब वरुण का अभिमान नष्ट करना। एक दिन क्या हुआ कि एकादशी का व्रत था, द्वादशी के दिन रात्रि में 2 बजे ही नंद बाबा स्नान करने के लिए चले गए। वरुण देवता के दूतों ने उनको पकड़कर वरुण लोक ले गए, क्योंकि वो समय स्नान करने का नहीं था, आसुरी वेला थी। तो उस समय पे स्नान 4 बजे के बाद ही स्नान करना चाहिए, कोई भी जलाशय में स्नान करो। तो जब वरुण देवता में ले गए तो सब बालक ग्वाल बाल चिल्लाने लगे कि नंद बाबा को बचा कन्हैया, नंद बाबा को बचा कन्हैया, नंद बाबा को बचाओ। तो कन्हैया जल में डूबे, जल में कूदे और कूद कर वरुण लोक में चले गए। और वरुण लोक में वहाँ पर नंद बाबा को बांध कर रखा हुआ था, पर कन्हैया को देखते ही वरुण देवता खड़े हो गए, उनको सिंहासन पर बिठाया, उनका पूजन करने लगे। तो भगवान ने कहा मेरा तो पूजन करते हो और मेरे बाप को तो तुमने बांध के रखा है, मेरे पिताजी को। अजानता माम केन मूढ़े नाकार्य वे वेदिना अजा अनायितोयम तव पिता तद भगवान क्षमतुम अर्हति। हे भगवान हमें क्षमा कर दो, ये हमारे जो मूर्ख सेवक है ना, इनको पता नहीं था कि तुम्हारे पिताजी है, गलती से इन्होंने तुम्हारे पिताजी को ले आया, ये मूर्ख भी है, आप इनको क्षमा कर दो ये मूर्ख को। भगवान ने कहा ठीक है। तो उन्होंने झट से उनको खोला, नए वस्त्र पहनाए, उनका भी पूजन किया, भगवान का भी पूजन किया। तो फिर नंद बाबा और भगवान बाहर आए, तो सबने कहा बाबा तुमने तो बड़ी डुबकी लगाई। नंद बाबा को कहा बताओ बाबा वहाँ क्या हुआ। बाबा ने कहा नंद स्तुतम दृष्ट्वा परमानंदम निर्विता कृष्णम च तत चंद्रो भी छंदो भी स्वयं मानम सुविस्मिता। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि पता नहीं वहाँ उसकी क्या रिश्तेदार निकल गए, हमारे कन्हैया को तो ऊँचे सिंहासन पर बिठाए और उनकी पूजा की, नए नए वस्त्र पहनाए और उनको आभूषण पहनाए, और जब पता चला कि मैं उनका पिता हूँ तो मेरा भी किया स्वागत। तो पता नहीं जहाँ भी जाता है इसके कोई ना कोई रिश्तेदार निकल ही जाते हैं, ये तो सबका रिश्तेदार है ही है भगवान जो है। तो कन्हैया से सब कहने लगे लाला अब तो पक्का हो गया कि तू कोई ना कोई बड़ो देवता है। तो कन्हैया ने कहा चलो तू भगवान है, तो बोले चलो मैं भगवान हूँ, अब तुम बताओ अब क्या करूँ, क्या करना है, तू बना रहे भगवान, हमें कुछ नहीं करना, लेकिन एक बार तेरा वो लोक जैसे बाबा को दिखा हमें भी दिखा दे। बोले अच्छा इतना बोलो ना सारे हो। तो भगवान ने उनको कालियादह पे ले गए, बोले कालियादह में सब लोग नहाएंगे, चलो इसके अंदर, और सब उसके अंदर गए। भगवान ने वहाँ अपनी दिव्य अपना दिव्य लोक का दर्शन कराया ग्वाल बालकों को, और वहाँ पर भी देखे तो भगवान बड़े दिव्य सिंहासन पर ऊपर बैठे थे। अब सब ग्वाल बाल गए कन्हैया कन्हैया, तो सब बोले शोर मत मचाओ यहाँ पर, कौन कन्हैया, बोले वो लगता है हमारे कन्हैया के जैसे मुख लगता है, बोले वो कन्हैया नहीं यहाँ के बहुत बड़े भगवान हैं, और ऐसे वैसे उनसे मिले नहीं जाता है, हाँ वो शोर लगाना पड़ता है जब कहीं उनसे मिले जाता है, कोई मिनिस्टर बन जाता है, पहले भला ही वो अपने साथ खेला पर बाद में जब मिनिस्टर नहीं बनता ना तब तक आता है अपने यहाँ, बोलता है हाँ हमारे तरफ देखना, हमें वोट देना, हमको एक बार देख के देखो, फिर महंगाई कम कर देंगे, फिर ये करें, और फिर करे कुछ नहीं करे, और अपन कभी मिलने जाओ या बोलो तो फिर वो अपने को पहचानता नहीं, पहचानता ना। तो बोले कि इसको नहीं बोल रही हूँ मैं, ये तो अपने घर की अब इसने छुट्टी कर ली ना अपनी, छुट्टी कर ली। मैं बोली अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा मेरे को छुट्टी कर ली, तो क्या पढ़ा इसमें, भगवान के बनो सदगुरुदेव भगवान कन्हैया से मिल नहीं सकते, बोले तुम, अरे बोले कन्हैया से मिल सकते, थोड़ी देर आँख बंद रही कन्हैया ने आँख खोली सबकी, और जब जो सब आँख खोले तो वही अपना ब्रज धाम, वही ब्रज की रज, वही जमुना जी। अरे देखा मेरा तुमने लोग, बोले हाँ कन्हैया कैसा लगा, अरे था तो बहुत सुंदर, झगमग झगमग कर रहा था, लेकिन हमें इतना अच्छा नहीं लगा, क्यों भाई क्या कमी है, कमी तो कुछ नहीं लाला, लेकिन वहाँ हम तेरे से न बात कर सकते हैं, न मिल सकते हैं, न बोल सकते हैं, न गले मिल सकते हैं, न तेरे को गाड़ी दे सकते हैं, और यहाँ तो कंधे पे बिठा लेते हैं, हार जाता है तो तू हमको कंधे पे बिठाता है, हमारा दाव देता है, वहाँ सब ये सब कुछ नहीं है, इसलिए हमें तो वो तेरा धाम
धरा रहे अच्छो ना लगे। बोले क्या हमको तो हमें बार बार मोह दीजिए वृंदावन को बास, हमें तो वृंदावन ही अच्छा लगा। तो इस तरह से ये भगवान की मधुर लीलाओं का वहाँ पर दशम स्कंद में वर्णन है, जिसको सुन के मन ठाकुर के चरणों में लग जाए ऐसी लीला यहाँ पर आती है। इसके बाद में अब महारास की कथा है, रास कथाएँ आने लगी है। भगवान ने मधुर मधुर बंसी बजाई और बंसी बजाने के बाद गोपियों का मन भगवान के चरणों में लगने लगा और गोपियाँ कभी कभी बेहोश होने लगी। पागल बना दिया है बंसी ने तेरी मोहन, पागल बना दिया। ये दिल चुरा लिया है बंसी ने तेरी मोहन, ये दिल चुरा लिया है बंसी ने तेरी, ये दिल चुरा लिया है बंसी ने तेरी मोहन, ये दिल चुरा लिया है बंसी ने तेरी हन, पागल बना दिया है बंसी ने ते। बाकी छटा जो देखी मेरा दिल हुआ दीवाना, बाकी छटा जो देखी मेरा दिल हुआ बाकी। हाँ जा सद्गुरुदेव भगवान मोर मुकुट बंसी वाले गिरिराज धरन की जय। भगवान की बांसुरी सुनकर गोपियों का मन भगवान के चरणों में इनको प्रसाद। ये प्लेट ही ले जाइए तो किसकी है प्लेट पता नहीं, प्लेट किसी की है क्या? दे दे इनको प्रसाद, गिरिराज जी का प्रसाद दे दे। सद्गुरुदेव भगवान मोर मुकुट बंसी वाले भगवान पीता रात्रि सर्वोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मन चक्रे योग माया मुपाशितः। शरद पूर्णिमा की रात्रि में 12 बजे भगवान ने ऐसी मधुर बंसी बजाई जिसको सुनकर गोपियाँ अपने घर के काम का छोड़कर दौड़ी। ध्यान देकर सुनना, पहले जो भगवान ने बांसुरी बजाई वो विश्व मनोहर थी सब विश्व को, पर रास की बांसुरी सबको नहीं सुनी हो, अधिकारी अधिकारी जीव को ही मधुर वह बांसुरी सुनाई दी। एक गोपी दूध दू रही थी और दूध दूते दूते दूध का पात्र वहीं डालकर चल दी, काम छुट गए उनका, इसमें काम नहीं है। श्रीधर स्वामी ने रास लीला को काम विजय लीला कहा है। हाँ। कोई कोई कहता है इसमें काम है, पर इसमें काम नहीं, काम को भस्म करने वाले शिव जी भी सुनाएंगे वो भजन एक दिन वो भोले भंडारी बनकर के ब्रजनारी रास में। तो इसलिए दुयंत्याभियो कचि दोहलित्वा समुषिका पयोदीश्रित संवाय मनोदाशा परायो। एक गोपी हलवा बना रही थी, हलवा बनाते बनाते कढ़ाई वहीं चूल्हे पर छोड़कर और ठाकुर जी से मिलने के लिए चली, इतनी उत्सुकता उनको हो गई थी। एक गोपी पति की सेवा कर रही थी, पति की सेवा करते करते एक पाँव दबाया दूसरा दबाया नहीं चल दी। एक गोपी पति को परोस रही थी, परोसते परोसते चल गई। एक सास को परोस रही थी, परोसते परोसते चल गई। एक गोपी स्वयं भोजन कर रही थी और भोजन करते करते ही वह वहाँ से चली गई। तो इस तरह से जो गोपी जैसी जिस स्थिति में थी वैसे ही ठाकुर की बंसी सुनकर उनके प्रेम में विहल होकर आतुर होकर तब भगवान के यहाँ चलेगी। देखो रास में प्रवेश किसको, हम पाप भी नहीं रहे और पुण्य भी नहीं रहे, संसार की कोई वासना कोई इच्छा न रहे। लिम्पन्त्या ही प्रजोजन्यो न्यान्यश्रुत काचलोचने व्यस्ताश्रवस्ता भरना क्वचित कृष्णांतिकम व्ययु। एक गोपी लिपापोती कर, लिपापोती मतलब शरीर पे कुछ उबटना वगैरह लगा रहे थे तो वैसे ही वैसे चले गए। एक गोपी काजल लगाती थी, एक आँख में लगाया एक आँख में नहीं लगाया चले गए। और दूसरी गोपी कपड़े पहन रही थी तो उल्टे सुलटे पहन लिए, कैसे पहन लिए
गले में पहनना था तो वो यहाँ पर गले में बांध लिया, यहाँ पे बांधना था वो लहंगा और वो दुपट्टा नीचे से बांध लिया। ऐसे उल्टा सुलटा सिंगार कर कर गोपियाँ भगवान से मिलने के लिए चली, क्योंकि उनके अंदर काम नहीं था, उस समय केवल शाम ही समाया हुआ था। मुरलिया बाज रही मधुबन में, मुरलिया सखीरी मेरे भनक पड़ी कानन में, सखीरी मेरे में मुरलिया बाज रही मधुबन में, मुरलिया बन में मुरलिया बाज रही बन में, सखीरी मेरे भनक पड़ी कानन, सखीरी मेरे भनक पड़ी में मुरलिया बाज। ऐसी बजी मैं तो उठ कर भागी, ऐसी बजी मैं तो सखीरी में तो पहुँच गई पल भर में, सखीरी में तो पल भर में मुरलिया बाज रही मधुबन में, मुर सोई हुई थी मैं तो अपने भवन में, सोई हुई थी मैं तो अपने भवन में, सखीरी मेरे भनक पड़ी कानन में, सखीरी दौड़ पड़ी कानन में, मुरलिया बाज रही मधुबन में, मुरलिया बाज रही मधु में मुरलिया बा। सब बोलो। लहंगो तो मैंने कटी पर बांध्यो, लहंगो तो मैंने सिर पर ओढ़ो, सखीरी मैंने चीर लपो तो तन में, सखी लपेट्यो तन में, सखीरी मेरे भनक में, सखीरी मेरे भन कजरा तो मैंने होठ पे लाया, कजरा लाली लगाई आखन में, सखीरी मेरे भनक नन में मुरली, नन में सखीरी मेरे भनक पड़ी मुरलिया बाज रही में, मुरलिया बाज। बिछुआ तो मैंने कानों में पहना, बिछुआ बिछुआ तो मैंने कान पायल पहन लई मैंने, गल में पायल लिया पहन मैंने, गल में मुरलिया बाज रही मधुबन में, मुरलिया बन में सखीरी मेरे भनक पर, सखीरी मेरे भन कानन में। मैं तो चली मेरे शाम से मिलन को, मैं तो चली मेरे काना से मिल, सखीरी मेरे प्रीत लगी चरणन में, सखीरी मेरे प्रीति लगी चरणन में, सखीरी मेरे भनक पड़ी कानन में, सखीरी मेरे भनक कानन में, सखीरी मेरे भन। जब सखी घर से निकली तो क्या बोले, उनको कोई रोका नहीं, बोले रोका किसने, रोका
पति ने रोका, पिता ने रोका, भाइयों ने रोका, परिवार वालों ने रोका, तावारिया माना पति भी, पितृ भी, भातृ भी, बंधु भी। गोविंदा प्रहर्तर्तो नात्मो न निवर्तन्त मोहितः, पर भगवान के प्रति उनका इतना आत्मसमर्पण हो गया था कि किसी के रोकने से वह रुकी नहीं। जैसे कोई गंगा जी गंगोत्री से निकली और उसे यदि कोई रोके, कोई पत्थर आ जाए, तो उसको आज दाया बाया करके निकलने ही लगे, क्योंकि वो तो रुकती है तब कि जब वो समुद्र में जाके समा जाती। ऐसी स्थिति समय गोपियों के मन ही हो गई थी और वह सबके सब भगवान के पास पहुंच गए। उस समय भगवान मधुबन में कदम के ऊपर चढ़कर एक मधुर बांसुरी बजा रहे थे और जब गोपियों को देखा तो भगवान ने क्या कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह, आओ आओ तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा क्या प्रिय करूं, कैसी आई हो, क्या चाहिए तुम्हें, क्या खाओगी पियोगी। भगवान ने ऐसा स्वागत किया, गोपियाँ बड़ी प्रसन्न हुई। आज देखो सारी गोपियाँ घर में बैठी थी आनंद से, गोपियों को इस समय भगवान की याद नहीं हो तो अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन ठाकुर जी को आज गोपियों की याद आई। भक्त भगवान की याद करें तो साधारण भक्त हैं, पर भगवान भक्त की याद करें तो एक विशेष प्रेम, विशेष भक्ति। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया और फिर स्वागत किया, गोपियाँ प्रसन्न हो गई। पर भगवान तो बड़े नटखट, क्या कहते हैं, क्यों आ गई, ब्रज श्याम ना भयम क्वचित व्रता गमन कारणम, आपके ब्रज पे कोई शंकर तो नहीं आया, क्यों आई हो। पहले तो स्वागत किया, बुलाया और बोले तुम्हारे का क्या प्रिय करूं, और फिर बोलते हैं ब्रज पे कोई शंकर तो नहीं आया, तुम मुझे बुलाने आई हो। गोपियों ने जैसे ऐसा कहा, बोले नहीं गया उनको। और जब पहले उन्होंने एकदम स्वागत किया, खुश हो गए, लेकिन बाद में जब ऐसा पूछा तो उनका मन निराश हो गया। अरे 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 अरे, इतनी रात्रि में वन में कि तुम अच्छे घर की बहू बेटियाँ कैसे दौड़ी दौड़ी चलेगी, शोभा नहीं देता है, लोग क्या कहेंगे, अपनी नहीं जन की नहीं, मन की नहीं तो जन की, कोई तो लाश्रम रखना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, चांदनी रात देखने आई हो, देख लो, पर रात्रि का समय है, शेर भालू भी आते हैं, जल्दी चले जाओ, घर के लोग तुम्हारी बाट देखते होंगे, तुम स्त्रिया हो, तुमको रात्रि में घर से निकलना अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा, पति से झगड़ के आई होगी, देखो झगड़ा करना ठीक है लेकिन घर छोड़ना नहीं चाहिए, अच्छे घर के लोगों ने अपना घर जल्दी से छोड़ना नहीं चाहिए, और जब छोड़ दो तो फिर भगवान की शरणागति ही लेना चाहिए, फिर जाओ तो अच्छा भी नहीं, ध्यान देना, छोड़ो ही नहीं, छोड़ना ही नहीं चाहिए। भगवान ने समझाया, तुम पतिव्रता हो, तुम अच्छी नारिया हो, तुमको घर छोड़ना नहीं चाहिए, तुम घर छोड़ के क्यों आ गई है, मेरे प्रेम में आ गई हो तो कोई बात नहीं, मेरा जब ज़्यादा प्रेम हो जाए तो फिर मेरा कथा का श्रवण करो, मेरा नाम स्मरण करो, दर्शन करो, ध्यान करो, श्रवणाध्यानात् ज्ञापी भवानुकीर्तनात् न तथा संकीर्षणेशम प्रयात ततो ग्रहात। देखो मेरी कथाओं का श्रवण करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, दूर से जितना प्रेम रहता है ना, पास आने पर दोष दिखने लगते हैं, इसलिए दूर से प्रेम करने में आनंद है। तुम मेरा मेरे से दूर दूर से प्रेम करो, पास आओगे तो तुम्हें मेरे दोष दिखने लगेंगे, मुझे तुम्हारे दोष दिखने लगेंगे, इसलिए दूर से प्रेम ज़्यादा रहता है। प्रेम करो, दूर से करो, ज़्यादा पास आने पर प्रेम की वो महिमा नहीं रहती है, इसलिए तुम अब आई तो हो, दर्शन हो गए हैं, बांसुरी सुन ली है, चांदनी रात देख ली है, यहाँ देखो कितनी शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है, कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, इन सब दर्शन करो, अब जाओ जल्दी से। अब गोपियों ने कहा, पहले तो मैं उनको बुलाया है, अब जाओ जाओ कर रहे हैं, पातिव्रत धर्म का पालन करो, ऐसा करो वैसा करो। गोपियों ने कहा, प्रभु तुम ज़्यादा प्रवचन देना जानते हो तो थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं, हाँ पहले जन्म के बड़े बड़े ऋषि मुनि थे ये, तो बोले अब हमारा प्रवचन सुन लो। भगवान सुनना ही चाहते थे, भगवान ने कहा बताओ क्या बोलना चाहते, बोले देखो पातिव्रत धर्म का पालन किया तब तो आप हमको मिले हैं, पतिव्रता धर्म का पालन कब तक करना चाहिए, काय के लिए करना चाहिए, बोले भगवत प्राप्ति के लिए, अब जब हमें भगवत प्राप्ति हो गई तो अब वापस अब पतिव्रता धर्म का पालन क्यों करें, जब हम आगे की क्लास में आ गए तो पीछे के क्लास में क्यों जाए। उन्होंने पतिव्रत धर्म का पालन का बोध दिया भगवान ने, देह धर्म, पति किसका पति है,
देह का पति है न कि आत्मा का। आत्मा का पति तो भगवान ही है। जब देह के पति से प्रेम किया, पतिव्रत धर्म का पालन किया, जब आत्मपति परमात्मा से प्रेम हुआ और आत्मपति मिल गया, तो फिर देह के पति की जरूरत क्या है? ऐसा गोपियों का कहना। उन्होंने बोला, देखो ये असाधारण बात है, ध्यान देना, इन पर विशेष ध्यान न देके अपना पतिव्रता धर्म नहीं छोड़ना, पति का अपमान नहीं करना, पति की सेवा करना और पति में भी भगवान के ही दर्शन करना चाहिए। ऐसा भागवत का भी कहना है, रामायण का भी कहना और संतों का भी कहना है। बोलिए भगवत बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो क्या कहते भगवान? देखो एक पतिव्रता नारी थी और वो पतिव्रता नारी पति की सेवा में थी, पति उसके गोदी में सोए थे, दूसरी खाट पर उसका लड़का सोया हुआ था और वहाँ पर सर्दी के दिनों से नीचे कोयले रखे हुए थे एक तसले में, और वो लड़का उसका करवट बदलने वाला था, वो देख रही थी कि करवट बदला तो गिरा और गिरा तो वो अग्नि में ही गिरेगा, लेकिन मैं उठूँ तो पति की नींद में बाधा हो जाएंगी। उठी नहीं और वहीं से पति के नाम का जप करती रही और वो लड़का तो गिरा, करवट बदला तो, पर गिरा तो अग्नि में ही गिरा, पर वो अग्नि शीतल हो गई और उसको इतना सा भी, इतनी सी चोट भी नहीं लगी, मैं चटका भी नहीं लगा, जला नहीं वो बच्चा, बच गया क्योंकि अग्नि शीतल हो गई। पातिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है। तो उसने कहा, प्रभु तुमने पातिव्रत धर्म की कथा सुनाई, अब एक कथा हमारी भी सुन लो। भगवान ने बोला, तुम्हारी कथा सुनने के लिए तो बैठा ही हूँ, सुनाओ। बोले, एक पतिव्रता नारी थी और पति को बहुत चाहती थी, पति को 5 दिन के लिए कहीं जाना था, पति के बिना रह नहीं सकती, रोज़ पति की पूजा करती थी। तो उसने कहा, मैं तुम्हारे बिना तो रह नहीं सकती, तुम्हारी रोज़ पूजा करती हूँ, तुम्हारे चरणों में प्रणाम करती हूँ, तुम्हारे चरण धो के पीती हूँ, अब मेरा कैसा होगा, मुझे साथ ले चलो। पति ने कहा, ऐसा काम है ऑफिस का, उसमें साथ ले जाना ठीक नहीं है, 5 दिन तक ये मेरे फोटो की पूजा करना। वो 5 दिन तक फोटो की पूजा करती रही। अब 5वें दिन जब वो फोटो की पूजा करी तो पति बाहर से आए और दरवाज़ा बजा रहे, अरे दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल, उसका नाम ले लेके पुकारे। तो अब ये बताओ कि वो पति आ गया तो उसने फोटो की पूजा करना चाहिए कि पति के लिए दरवाज़ा खोलना चाहिए? बोले, ये भी कोई पूछने की बात है, जब असली पति आ गया तो दरवाज़ा ही खुलना चाहिए और उसको ही अंदर लेना चाहिए और फोटो की पूजा तो तब तक जब तक वो नहीं। तो बोले, ये फोटो के पति को की पूजा तो हम पहले करते रहे, जब असली पति परमात्मा आत्मा के तुम मिल गए तो अभी भी क्या फोटो की पूजा करते रहेंगे? भगवान को अपनी वाणी से गोपियों ने हरा दिया और भगवान ने कहा कि अब तुम्हारी क्या इच्छा है? पंचम भूले देह सुद छठे भावना रास की, तब पावे रस रीति कचूसरी स्वामिनी हरिदास की। पंचम इसमें पहुँच जाते हैं ना। अब ये सब गुरुजी ने हम लोगों को तो बताया है पर हमें भी इतना याद नहीं, और याद भी है तो जीवन में आत्मसात नहीं। तो ये पंचम सीढ़ी पर पहुंच गई थी साधना की, तो इनको तो देह की शुद्ध बुद्ध नहीं, और भगवान ऐसे कोई मिलते हैं। अब रास होने लगा, रास करते करते गोपियों का मन अपने देह में गया और भगवान रास से उस समय गोपियाँ एक एक वृक्ष को भी पूछे जा रहे, जैसे भगवान राम जी पूछे तो चले लता अरुपाती, अशोक को पूछ रहे, अरे अशोक इधर से हमारे कन्हैया गए, क्या तूने देखा? तो अशोक कुछ नहीं बोला। अब उन्हें ये भी नहीं कि ये तो वृक्ष, ये थोड़ी ना बोलेगा, ऐसा नहीं लगा, क्योंकि उनको होश ही नहीं था उस समय, बाहर का होश नहीं था। अरे ये तो अशोक है, इसको कभी शोक ही नहीं हुआ, दूसरे के शोक को दुख को कौन जाने, जो दुखी है तो वो दुखी की बात जान लेता है, चलो यहाँ से आगे। और फिर उन्होंने तुलसी को पूछा, अरे तुलसी तू तो उन्हें बहुत प्रिय है, क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, भगवान को तू बहुत प्रिय है और भगवान भी तुझको बहुत प्रिय मानते हैं, तेरे डाले बिना तो भगवान कभी भोजन भी नहीं करते हैं। लहर लहर लहरावे रे
मेरी आंगन की तुलसा लहर लहर लहरावे रे, लहर लहर लहरावे रे मेरी आंगन। इस तुलसा में क्या क्या गुण है, इस तुलसी में प्रभु के चरण पे चढ़ावे रे मेरी आंगन की लहर लहर लहरावे रे मेरी। इस तुलसी में क्या क्या गुण है, इस तुलसी में प्रभु जी को भोग लगावे रे मेरी आंगन की तुलसा, प्रभु को भोग लगावे रे मेरी। लहर लहर हाँ आ गई बत्ती, हाँ लगा चला ले। मेरी आंगन की तुलसा लहर लहर लहरावे रे मेरी आ। इस तुलसी में क्या क्या गुण है, इस तुलसी रोगी के रोग मिटावे रे मेरी आंगन की, सारोगियों के रोग मिटावे रे मेरी आंगन। लहर लहर लहरावे रे मेरी। इस तुलसी में क्या क्या गुण है, इस यम के फंद छुड़ावे रे मेरी आंगन की तुलसा, यम के फंद छुड़ावे रे मेरी। लहर लहर लहरावे रे मेरी। ऐसी कथा आती है कि एक बार कोई चले थे पंडित जी, और उनके गले में तुलसी की माला थी। रात्रि का समय था, उनके साथ मीठा चिट्टा बिठा, तो उनके पीछे भूत प्रेत लग गए। पर उनके पास तुलसी की माला होने से भूत प्रेत उनको छोड़ दिए। एक बार एक आदमी आया, वो उनको पहचानता था, यहाँ कहीं मरा था, तो वो यमदूत का सेवक बन गया था। तो उसने कहा कि देखना, अब ये बेल है ना, ये बेल अपने सींग पे लेके इसको मारेगा, अब इसकी मृत्यु आ गई है। उतने में उस बैल ने उसको सींग से मारा, और मारते ही वो गिरा। पर वो जब जहाँ पर गिरा वहाँ पर तुलसी के पेड़ थे, तो तुलसी के पेड़ में जाके गिर गया, तो यमराज उसको ले जा नहीं सके। यम के फंद छुड़ावे रे मेरी आंगन की तुलसा। इस तुलसी में क्या क्या गुण है, इस तुलसी में हाँ क्या क्या गुण है, हाँ क्या 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 गुण है, हाँ क्या क्या। यम के फंद छुड़ावे रे मेरी आंगन की, रोगियों के रोग मिटावे रे मेरी मेरी आंगन की शोभा बढ़ावे रे मेरी, मेरी आंगन की शोभा बढ़ावे रे मेरी आंगन की। लहर लहर लहर। एक देवी को क्या मालूम क्या बीमारी होगी, बहुत दवाई दिलाई पर वो ठीक ही नहीं। अंत में फिर एक वैद्य जी का नाम सुना, तो वहाँ पर उसके पिताजी लेके गए। ऐसी शादी शुद्धा थी 30-35 साल की, पर बहुत ऐसी दुबली पतली हो गई थी, हड्डी हड्डी, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। एक वैद्य जी के पास ले गई, तो वैद्य जी ने एकांत में उसके पिताजी को कहा कि बच्ची बीमार तो ज़्यादा लेकिन बच सकती है, पर इसके दो ही इलाज हैं। बोले क्या? बोले इसको एक तो गाय का दूध और एक तुलसा जी, जीवन में इसके दो ही प्रयोग करना, और मैं ये थोड़ी सी दवाई देता हूँ,
इसमें भी तुलसी पत्ती से ही बनाई हुई दवा है और गाय का गोमूत्र डाल रखा है, तो ये ठीक हो जाएंगे। तो बोले ये 3 महीने का कोर्स आप करो, ये ठीक हो जाएंगे। 3 महीनों का कोर्स उसने किया और बोले ज़्यादा इसको भूख लगी तो मूंग की दाल का पानी दे देना, बाद में इसको भूख लगी तो थोड़ा, और फिर लुखा फल का भी दे सकते हैं। वो 3 महीने में बिल्कुल ही ठीक हो गए। केवल तुलसी जी, गोमूत्र, गाय का दूध, गाय का ही सब कुछ देना, देना भी थोड़ा सा दही छाछ भी तो गाय का ही देना। और धीरे धीरे फिर वो मूंग की दाल खाने लगी और रोटी भी खाने लगी लुखी। ऐसे करते करते 3 महीने में तो वो जिसको पाँव से चले ही नहीं जाता, 2 जने पकड़ के लाए, वो चल चल के वो वैद्य के घर आ गई। तो तुलसी में, गोमूत्र में, गाय के दूध में इतनी अपार शक्ति है, और उसी गाय को आज हमारे देश में काटा जा रहा है, ये दुख की बात है। और हम तो यही कहेंगे, हमसे तो कुछ होता नहीं, भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं। और सरकार को भी कहते हैं कि सरकार को यदि हो सके तो गो हत्या बंद करे। बोले वृंदावन बिहारी ये सद्गुरुदेव भगवान की। तुलसी माता से कहते हैं तो क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। तो तुलसी माता भी कुछ बोली नहीं, क्योंकि वो तो बोल नहीं सकती ना, पर उतने में हवाई तो वो ऐसी ऐसी डोली। तो बोले ये भी बता रही कि मैं नहीं बताऊंगी, ये तो सोत है, ये क्यों बताएंगे हमको। गोपी आपस में ऐसा अपनी बातों को जुड़ा जुड़ा के आगे कन्हैया को ढूंढती ढूंढती चली, तो वहाँ पर उन्होंने राधा जी को देखा। फिर राधा जी को उन्होंने पानी छिड़का, होश में लाया। फिर राधा जी ने कहा कि हम आगे जाएंगे तो श्याम सुंदर भी आगे जाएंगे, तो हम सब लोग जमुना जी पे चले। और सबके सब जमुना जी पे आकर वहाँ पर भगवान से प्रार्थना करते हैं, और उस प्रार्थना का नाम है गोपी गीत। जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वदत रही दैत दृश्यताम दीक्षुतावका त्वयि धृता सव संविचिन्वते शरदुदास ये जातु सात सत्सरसि जोदर श्री मृषा दृशा सुरत नाथ ते शुल्क दासिका विरद निघ्न तो नेह किं वद विषजलाप्याद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैदुतानला। पूरा तो बोल नहीं सकेंगे, है ना, इतना बोलने की जरूरत भी नहीं। मैंने इससे पहले कि भागवत में पूरा ही बोला है। विषमयात्मजात विश्व तो भयात ऋषभ ते वयम रक्षितामु न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्म दृक् विखन सार्थी तो विश्वगुप्तये सख उदयवान सत्वताम कुले विरचिताम भयम विष्णु धूर्यते चरणमीयुषाम संस्रुते भयात करसरोरुहं कांत कामदं शिरसि देहिन सिरिकर ग्रहं। भगवान को गोपियों ने प्रेम से उलाहना भी दिया है, इस गोपी गीत में बुलाया भी है। तो भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए हैं, और उस समय पीताम्बर धर हाथ में पीताम्बर लेके इति गोप्या प्रागयंतो प्रलयंत चित्रदा रुरुदु सुसरम राजम कृष्ण दर्शन लाल सहा। सारी की सारी गोपियाँ जोरों से ठाकुर जी के लिए रोने लगी है। एकांत में भगवान से बात करो, प्यार करो, रो, तब भगवान प्रकट होते हैं। और जब पीताम्बर हाथ में लेके भगवान गोपियों के आंसू पोंछते हैं, सब गोपियाँ भगवान के आजू बाजू बैठ जाती है, तो भगवान क्या कहते हैं, गोपियों तुम्हारा प्रेम मैं उसका ऋणी हूँ,
रामायण में भगवान हनुमान जी के ऋणी हैं और श्रीमद् भागवत ग्रंथ में मेरे गोविंद गोपियों के ऋणी हैं, गोपियों के प्रेम के ऋणी है भगवान। न पारये हम निर्वद्य सयुजाम स्वसाधु कृतम विविधायुषा पिव या माम भजन दुर्जर गृह श्रृंखला सवृच तद्व प्रतियातु साधुनाम। हे गोपियों, मैं देवताओं की आयुष्य लेकर भी तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूँगा तो भी नहीं चुका पाऊँगा, मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हूँ। फिर रास होने लगा, ऐसो रास रचो वृंदावन होए रही पायल की झनका रे, ऐसो रास रचो वृंदावन होए रही पायल होए रही पायल की झनका रे, होए रही पायल की झनका रे, ऐसो रास रचो वृंदावन होए रे पायल। घुंघरू खूब छमा छम बाजे, घुंघरू खूब छमा छम बजने बिछुआ बहुत ही बाजे, कटी किंकिन के घुंघरू बाजे, अंग बजना गहना बाजे, चूड़ियों की झनकार चूड़ियों, ऐसो रास रचो वृंदावन होए रही पायल की झनकार, ऐसो रचो वृंदावन होए रही पायल बाजे, भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे, झांझ पकावज दुंदुमि बाजे, सारंगी और मृदंग बाजे, बंसी मधुर मधुर सी बाजे, बाजे वीणा जी के तार, ऐसो रात होए रही पायल की आर, ऐसो रास रचो वृंदा बन होए रही पायल। राधा मोहन दै गल भैया, राधा मोहन दै गल भैया, नाचे संग संग ले फिर कैया, नाचे संग संग ले फिर कैया, चाल चले शीतल सुख दैया, चाल चले शीतल सुख दैया,
पजामा पटका लहंगा फरिया कर सनन सनन सनकार। जामा पटका लहंगा फरिया कर सनन सनन सनकार। ऐसो रास रचो लावन होए रही पायल की जन का। अरे ऐसो रास रचो वृंदावन होए रही पायल की झनकार। होए रही की झनकार ऐसो उस समय देवता लोग ऊपर से पुष्पों की वृष्टि बरसा रहे थे और अपने अपने बाजे लेकर सब गा भी रहे थे, नाच भी रहे थे। वहाँ पर ब्रह्मा जी भी आए हुए थे और देवता भी आए थे और शिव जी तो वहाँ पर आए ही थे। माता पार्वती पहले आ गई थी, शिव जी उनसे कहने लगे कि तुम मुझको भी अपने साथ ले चलो। एक दिन वो भोले भंडा बन कर के ब्रज नारी रास में गए हैं। रास में पार्वती भी मना के हारे नहीं माने त्रिपुरारी। रास में आग है रास में पार्वती से बोले बाबा मैं भी चलूँगा तेरे साथ में तेरे। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में तेरे। रास रचेंगी ब्रज में भारी हमें दिखाओ प्यारी। रास में है रास में आग। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी रास में पार्वती भी मना के हारे नहीं माने त्रिपुरारी। ऐसा बना लो मुझे कोई न जाने इस राज को इस। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मत वाली रास में कोई तो नाचो। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी रास पार्वती भी मना के हारी नहीं माने त्रिपुरारी। रास गए है रास में है। देखा मोहन ने तो समझ गए सब राज रे ए सब राज रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले नाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले नाथ रे। सिर से खसक गई जब साड़ी मुस्कुराए गिरधारी भोले शर्मा गए। सिर से खिसक गई जब साड़ी मुस्कुराए गिरधारी भोले शर्मा गए। एक दिन वो भोले भंडार बन कर के ब्रज नारी रास में है पार्वती भी मना के हारी नहीं माने त्रिपुरारी रास में
रास में आ गए हैं, रास में आ गए, रास में। भगवान शिव जी भी, जिन्होंने कामदेव को जलाया, वह भी उस रास में नाच रहे हैं। ब्रह्मा जी भी आए हैं, देवी देवता देख रहे हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है। इस तरह से महारास की यहाँ पर कथा आती है। इस महारास में भगवान गोपियों का, कोई स्त्री का, पुरुष का मिलन नहीं, आत्मा से परमात्मा का मिलन है। यह तो काम विजय लीला है। इस तरह से रास की लीला होने के बाद भगवान के प्रागट्य का समाचार नारद जी ने कंस को दे दिया कि जो देवकी का आठवां पुत्र है वह श्री कृष्ण है और वह गोकुल में पल रहा है और उन्होंने तुम्हारे अनेक असुरों को मारा है। अब तो कंस कहने लगे, देवकी वसुदेव को जल्दी से मार डालो। नारायण नारायण, नारद जी ने कहा ऐसा मत करो, पहले तो तुम कृष्ण को बुलाओ और कृष्ण को मारो। जब कृष्ण मर जाएगा तो उसके माता पिता तो वैसे ही मर जाएंगे, पहले माता पिता को मार दोगे तो कृष्ण भला आएंगे क्यों? माता पिता के लिए तो हो सकता है वो मथुरा आ जाए। तो बोले, गुरु जी ये बात आपकी सच है। फिर उन्होंने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को कहा, अक्रूर जी तुम जाओ यहाँ से गोकुल में, और गोकुल में जाके, वृंदावन में जाके नंद बाबा से कहो कि हम एक यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने फिर पंडितों को बुलाया कंस ने, और पंडितों से पूछा कि मैं ये बताओ मेरी मृत्यु कैसे टल सकती है। पंडितों ने कहा तुम 5 दिन का धनुष यज्ञ करो, वह धनुष यज्ञ यदि सफलता से पूरा हो जाएगा तो तुम्हारी मृत्यु टल जाएंगी, पर यदि उसमें विघ्न आ जाएगा तो तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। तो बोले कि बड़े बड़े असुर मेरे पास है, वो हमारे यज्ञ की रक्षा करेंगे, इससे यज्ञ तो पूरा ही हो जाएगा। 5 दिन का यज्ञ रख दिया, बड़े बड़े पहलवानों को तैयार कर लिया, और कृष्ण और बलराम आएंगे तो छोटे छोटे बच्चे तुम उनको मार देना। पहलवान कहने लगे, हमारे को तो सीधा हाथ तो लगाना ही नहीं पड़ेगा, हम तो बाय हाथ से ही मार देंगे। ऐसे डिंग डिंग हाँकते हैं ना, रामायण में कथा आती है कि जब बंदर आएंगे तो हम उनको खा लेंगे। तो उनके एक पुत्र थे, रावण का एक ही पुत्र था, अच्छा, तो उसने कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ जब एक बंदर आया उसने पूरी लंका जलाई, उस समय तुम्हें क्या भूख नहीं थी, क्या जीर्ण हो गया था, उसको पकड़ के क्यों नहीं खाया? एक को तो खाया नहीं, अब सारे बंदर आएंगे तो पकड़ पकड़ के खा लेंगे, ऐसी क्या नीति की बात करना। भाई पहले संधि के लिए भेज दो, सीता जी वापिस दे दो, वो चले गए तो झगड़ा मत करो, नहीं तो फिर युद्ध तो करना ही। पर अच्छी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि मृत्यु आ गई थी, विपरीत काले बुद्धिनाशम, ये हो जाता है। ऐसे डिंग यहाँ पर ये भी हाँकने लगे, तो बोले हाँकते रहो, बुद्धि बात हाँकने में कोई जोर नहीं लगता, करने में ही जोर लगता है। इसलिए भागवत की कथा कहती है, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म से बचे रहो। एक कथा सुनाना चाहती हूँ, बार बार वो याद आ रही है, सिररन बहू की कथा। मैंने बताई थी कि समय मिला तो मैं एक दिन वो सुनाऊंगी। तो ऐसा है कि एक टीकमगढ़, मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ में एक अर्चरा नाम के गांव में एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था नंदलाल जी पांडे। उनके एक लड़का हुआ, उसका नाम उन्होंने कल्याण रखा, लेकिन लार से उसको कल्लू कल्लू कहते थे। तो कल्लू पढ़ाई में बहुत होशियार था, दिखने में भी होशियार था, होनहार था, समझदार था। तो उसको जितना कुछ आता था पिताजी को उसको पढ़ा दिया, पर उनकी इच्छा हुई कि इसको आगे भी पढ़ाए, पर कैसे पढ़ाए, किससे पढ़ाए, पहले तो इतनी ये स्कूलें नहीं थी, पाठशालाएँ नहीं थी, आचार्य नहीं थे, ऐसी चिंताएं कर रहे थे। एक दिन मोहनगढ़ उसको दवात भरने के लिए भेजा। पहले क्या होता था, बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में शाही भरी रहती थी और शाही की दवात भर के आजू बाजू के गांव के लोग भी ले जाते थे, और फिर टाक पेन से लिखा जाता था। हमारे पिताजी भी लिखते थे टाक पेन से, ऐसे बड़े बड़े डायरिया होती थी, उसके ऊपर भी लाल कपड़ा सिला हुआ रहता था, ऐसी वो डायरिया होती थी बड़ी बड़ी लंबी लंबी। तो वो दवात भरने के लिए गया तो वहाँ पर एक बड़े अच्छे पंडित जी के उसको दर्शन हुए। पंडित जी ने भी देखा ये लड़का कोई पंडित का है। क्या था, एक तो उसको चोटी थी, दूसरा उसको तिलक था, तीसरा उसका पहनाव भारतीय था। आजकल के लोगों को भारतीय पहनाव अच्छा ही नहीं लगता, लोग क्या करते हैं एब्रो कराते हैं। एब्रो कहाँ जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में। कहाँ गए जी ब्यूटी पार्लर, बताते नहीं मेरे को तो, छुपाते हैं, पर मैं समझ जाती हूँ कहाँ गई थी।
अच्छा, ये ब्यूटी पार्लर में जाके जब आईब्रो कराती है, यहाँ से बाल नोचती है, तो उसकी याददाश्त तो बिल्कुल ही कम हो जाती है। मैंने तो याद ही कर रखी है, याद रसी तो बाल ऊँचा हो तो कोई अच्छी बात है। देवाने देला नूर उनका दिन हुई दूर। महाराष्ट्र के लोग कहते जो भगवान ने हमको रूप दिया है वह इस बहुत सुंदर होता है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, पर वो है नहीं। फिर बाल के छिपरे ऐसे निकालेंगे, फिर नग बढ़ाएंगे, फिर यहाँ नग पॉलिश लगाएंगे, फिर यहाँ होठ पॉलिश लगाएंगे, और वो होठ पॉलिश चाय के अंदर, चाय से चाय पीते तब वो अंदर भी जाता है पेट में, तो वो रोग भी करता है, बीमारियाँ भी बढ़ाता है। उनका पहनाव भारतीय था, भारतीय पहनाव पहनो, नंगे नंगे ड्रेस पहनना, छोटे छोटे कपड़े पहनना, अंग का प्रदर्शन दिखाना, सामने से वस्त्र नहीं ढकना, ये हमारी भारतीय मर्यादा नहीं है। पर भारतीय मर्यादा अब कोई करना ही नहीं चाहते हैं, और इसीलिए मन लोगों के विकारी हो गए हैं, और विकारी मन हो गए हैं तो बहुत सारा अनाचार, दुष्टाचार, भ्रष्टाचार सब चल रहा है। भगवान ही दूर करे और तुमको सद्बुद्धि दे, तुम भी तुम्हारा अपने अंदर सुधारा करो। बोला तुम कोई पंडित के लड़के दिखते हो। तो उसने प्रणाम किया, बोले हाँ महाराज, मेरा नाम तो कल्याण है लेकिन मुझे सब प्यार से कल्लू कल्लू कहते हैं। मेरे पिताजी का नाम है श्री नंदलाल जी पांडे और मैं उनका लड़का हूँ। तो पंडित जी ने कहा कि तुम तुम्हारे पिताजी को भेज देना। और वहाँ पर वो पंडित जी सेठ का कोई काम चल रहा था, उनका बही खाता लिखने के लिए आए थे, और वो सबका हिसाब किताब भी रखते थे, और वो कर्मचारी लोग भोजन बना के खिलाते उनको अच्छा नहीं लगता। उसको लगता कोई ब्राह्मण का अच्छा लड़का मिल जाए और शुद्धता से भोजन बना के खिलावे, हाथ पाँव धो के बर्तन माँज के, तो एक अच्छी मर्यादा रहती। उस समय ज़्यादा ही शुद्धता का ध्यान लोग रखते थे, अभी भी रखते पर बहुत कम लोग रखते हैं, ज़्यादा लोग नहीं रख सकते शुद्धता का आचार विचार। तो उन्होंने पिताजी को भेज दिया। दूसरे दिन पिताजी आए तो उन्होंने कहा तुम्हारा लड़का है। बोले हाँ। कितने लड़के? बोले एक ही। बड़ा होनहार अच्छा लड़का है, और तुम चाहो तो मैं उसको पढ़ा दूँगा। तो बोले मेरा तो बोझा ही उतर गया, मैं तो चाहता कि इसको कोई आगे पढ़ाए। तो बोले तुम मेरे पास इसको भेज दो। तो बोले ठीक है। अच्छा मुहूर्त देख के संविदा लेकर और वो आए, और पिताजी ने उस पुत्र को उनको समर्पित कर दिया कि तुम इसको पढ़ाओ। 12 साल तक उस बच्चे को पढ़ाया, कल्याण को, और वो इतना होशियार हो गया, भोजन बना के उनको पवाता था, उनको पढ़ाते थे, हिसाब किताब भी सिखा दिया, और यहाँ तक कि वो स्वयं का पंचांग बनाने लगा। वो कल्याण पंचांग पे कल्याण दिखता था, तो इतना होशियार हो गया, होनहार तो था ही वो बच्चा। तो गुरुजी ने उसको ये भी बोला कि देखो तुम मनुष्य हो, मनुष्य होने में दूसरे के परोपकार करना, किसी का दुख देखे तो पिघलना चाहिए मन, और अच्छे काम करना, दान धर्म करना आदि आदि बता दिया था, अच्छी बातें। और 12 साल के बाद वो लड़का अपने घर आया। घर आने के बाद उसकी शादी हो गई। शादी हुई कि उसकी पत्नी का नाम महाराजी था, बहुत सरल हृदय की थी, बहुत सीधी सादी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, सुंदर सुशील थी और उदार बहुत थी। उन्होंने एक बहुत सुंदर भवन बनाया, पैसे बहुत कमाता था, उतने में कोई पढ़ा लिखा पंडित ही नहीं था, और वो पंडितों को अपने सहायक बना लिए थे उसने, और पंडितों को भी थोड़ा थोड़ा सिखाते रहता था, पर इसके जितना विद्वान तो यही था। तो ये घोड़ों पर जाता था आजू बाजू के गाँव में भी, और अपनी मतलब अच्छी कमाई थी इसकी, अच्छा इसका मकान था, घर में सब कुछ था, आता भी बहुत था पंडित जी को अनाज दाना, कोठड़े भी भरे थे अनाज के। पत्नी उदार थी, बहुत कुछ देती, तो लोग क्या बोलते थे ये सररन है, ये तो बस देती रहती है। अरे तुम्हारे का घर का देती है, पर लोग है ना खाते तो अपने घर का, बातें दूसरे के घर के करते हैं। उसका नाम सिररन रख दिया, और उसकी शिकायत करते रहते थे। कभी कभी कल्याण उसको डांटता था, पर उसको ज़्यादा नहीं डांटता था, बोलता चलो दिया करो कुछ घर में तो है। दोनों ही पति पत्नी थे। एक बार अकाल पड़ गया, इतना अकाल पड़ा कि लोगों को खाने को डांटा नहीं, दूसरे साल फिर बरसात नहीं, तीसरे साल फिर बरसात, तो इतना दुष्काल पड़ गया कि लोग अपना घर घर का सोना निकाल निकाल के लाने लगे कि तुम ये सोना ले लो हमको अनाज दे दो। तो लोग क्या करने लगे कि अपना पैसा बनाने लगे, थोड़ा ज़्यादा सोना लेते, थोड़ा सा अनाज देते, बेचारे भूखे मरते, बोले हमको तो मरते हुए को बचा लो, मरते हुए को बचा लो। तो लोग सोना जमा करने लगे। इसको तो कुछ ऐसी हाय आई थी नहीं, ये मंदिर में पूजा करके आ रही, तो एक बुढ़िया माता इसको देखी, बेचारी से चले नहीं जाता, वो भी सोना लेके आई थी। तो बोली माई क्या हो गया तुमको? और किसी का दुख देखे तो उसको लगता था ये मेरा ही दुख है, ऐसी पिघलती। सेवा अंकल आया ना, उसमें ये सब बताएंगे, देखना कितना सुंदर 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 बातें हैं। मैं इसलिए 2 बार पढ़ी कि मेरे जीवन में भी थोड़ा सा सेवा का भाव आ जाए, मेरे अंदर तो कोई अच्छे भाव है नहीं।
तो बार बार पढ़ने से थोड़ा ना थोड़ा असर तो पड़ता ही पड़ता है, जरूर पड़ता है। इसलिए ये अच्छे ग्रंथ तो पढ़ना ही चाहिए बार बार। जब उसकी बात उसने सुनी तो उसको लगा ये तो मेरा ही दुख है, मेरा ही दुख है, ऐसा उसको लगने लगा। वो क्या करने लगे कि उसको हाथ पकड़ के अपने घर ले गए। पहले अच्छा सा भोजन बना के उसको खिलाया, बेचारी 3-4 दिन की भूखी थी, उसको दूध पिलाया, पानी पिलाया, भोजन कराया, और उसके बाद में उसको अनाज खूब बांध दिया, जितना तू उठा सके ले ले। बोले बोले मेरा सोना ले। बोले भाई मेरे पास सोना तो बहुत है, मैं तेरा सोना ले क्या करूँगी। उसका सोना भी नहीं लिया, उसको भोजन भी कराया, दूध चाय पानी पिलाया, और उसके बाद में उसको बांध दिया। उसका तो मन ऐसा आशीर्वाद देने लगा, इतनी प्रसन्न हो गई। थोड़ी दूर पे वो गई तो वहाँ सैकड़ों लोग थे भूखे प्यासे बेचारे, कोई 3 दिन के, कोई 4 दिन के, कोई 5 दिन के, कोई 2 दिन के। तो कह रहे थे हाय हाय कहाँ मिले लोग, सोना लेके भी अब अनाज देने को तैयार नहीं। बोले हमारे लिए तो रखेंगे हम, और थोड़ा सा तो अनाज देते, ज़्यादा ज़्यादा सोना लेते, भर लिए लोग सोनों से घर। अब वो सोना तुम्हारे साथ जाएगा ना, याद रखना यार, कफन में जेब नहीं होती। पर हाय 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 लोग पता नहीं धन के पीछे क्या मर जाते, पागल पागल से हो रहे हैं। आज भी वही तशा, उसने तो बेचारे ने सोना नहीं लिया, तो लोगों ने बोला कि देवी तू कहाँ से आई। तो बोले वो तो देवी है, साक्षात देवी है, उसने तो मेरे को भोजन भी कराया, पेट भर के खिलाया पिलाया, और अनाज दिया, मेरा सोना भी नहीं लिया। तो अब ये सब लोग तो बोलने लगे ऐसी देवी के हम भी दर्शन करें, हम भी जाए। सारे के सारे लोग सैकड़ों उसके यहाँ गए। अब वो बोले मैं क्या करूँ, एक महुआ मवा हमें वो तो समझते नहीं क्या होता। वो भूनने लगे तो गरम गरम ही लोग लेके खाने लगे, उसके हाथों से ले लेके गरम गरम में खाने लगे, उसके उसने कढ़ाई में से ले लेके छालने में से लेके। तो उसने बोला कि ये तो सब बहुत भूखे हैं, हे भगवान। उसका दिल तो इतनी जल्दी पिघलता था, मोम से भी ज़्यादा नरम। तो उसने अपने बहुत बड़ा आंगन था, बहुत बड़ा उसका भवन था, ये आंगन में एक चूल्हे चूल्हे जला दिए, सब पे मोहा सेकने को रख दिया, और सब लोग बोले भरपेट खाओ। अब सब लोग भरपेट खाए, और उन सब लोगों को उसने गठड़े गठड़े बांध दिए अनाज के, कहीं नहीं गया। मोहन गढ़ गए थे अनुष्ठान करने इसके पति कल्याण देव, तो वहाँ पर लोग गए सिखाने के लिए। देखो लोगों को कितनी फुर्सत है दूसरे की बातें करने में। तो वहाँ गए तो अब वहाँ से वो लाल होके आया, और रास्ते में देखा गठरे ले लेके लोग जा रहे हैं। फिर यहाँ पर आया तो ये चूल्हे ही चूल्हे जल रहे हैं। अब तो 3 बातें हो गई, लोगों की शिकावट, लोगों के गठरे, और चूल्हे ही चूल्हे जल रहे। तो आते ही उसने अपनी पत्नी को मारा, पहली बार इतना मारा, बेचारी बेहोश हो गई। अब जब वो बेहोश हो गई तो कल्याण देव की आँख खुल गई। कल्याण देव को पश्चाताप होने लगा कि मैंने मेरे पत्नी को क्यों मारा। अब ये बताओ, हमारे पास अनाज है, ध्यान देकर सुनना, और कोई यदि भूखा है उसको अनाज देना अच्छा है कि बुरा है, हुँ? तो ये शिकायत करने की बात थी, उन्होंने शिकायत करी, और इसकी बेचारे की बुद्धि गुस्से में आ गई, और इसने उसको मार दिया। पर फिर उसको लगा कि मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने अच्छा नहीं किया। वो बेहोश होकर पड़ गई, आजू बाजू की माताएं भी आ गई, वो भी सब माताएं उसके पास बैठ गई, और देखने लगी कि इसको कभी होश आएगा या मरी जाएंगी। अब सब बैठे रहे, रात भर बेहोश रही। सुबह सुबह उसे थोड़ा सा जाग आया, पति ने झट उठ के उसको एक गिलास दूध पिलाया, और एक दो माताओं ने पूछा क्यों इतना सारा लुटा दिया, अब मार पड़ी मर जाती तो। बोले मैंने क्या लुटाया, भगवान का दिया हुआ था, भूखे लोगों को दिया, और यदि मैं मर जाती तो सैकड़ों लोगों के प्राण तो बच गए। मरना तो है, अच्छा है, मर जाती तो मरना तो है, एक दिन मरना ही है, आज ही मर जाती कोई बात नहीं, पर सैकड़ों लोगों के प्राण तो बच गए ना। अब तो पति रोने लगा, और वो पड़ोसनियाँ जो सिखाती थी उनकी भी आँखें खुलने लगी कि नहीं, अपने पास अनाज है और लोग भूखे मर रहे हैं, तो उनको देना ही चाहिए उनको। और पति ने उसकी परिक्रमा की, उसको साष्टांग प्रणाम किया, मुझे मेरे गुरु ने ये सब सिखाया था, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने लिखा पढ़ा है, लेकिन गुना नहीं है, तूने तो अपने जीवन में उतर लिया, तू पढ़ी लिखी नहीं है, तू पढ़ी लिखी है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पति कहने लगा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तू पढ़ी लिखी है, मैंने पढ़ा है, लेकिन मैंने गुना नहीं, मैंने अपने जीवन में उतारा नहीं, और तूने अपने जीवन में उतार लिया है। उसने उसके चरण छुए, बोली ये अब क्या मेरे पे अपराध चढ़ा रहे। बोले अपराध नहीं, आज से तू कुछ भी किसी को देंगी मैं कभी कुछ भी तेरे को नहीं बोलूँगा, तू मुझे भी समझाया कर कि मैं भी तेरे जैसा ही बन जाऊँ।
और आज से मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी तेरे जैसा ही बन जाऊँ। इसलिए हमारे महाराष्ट्र के लोग कहते हैं कि करना सर का दाता दे भगवान, करना सर का दाता और मन दे मेरे भगवान, और कहते हैं या तो कर्ण के जैसे दाता लड़का दे भगवान। तो कर्ण के जैसा हृदय दातार हो, सिररन जैसी बहू का, बोले मैं तो सिररन हूँ, क्या है मर जाती तो मर जाती, कितनी उसके अंदर, और पढ़ी लिखी नहीं पर ज्ञान आत्मसात किया हुआ था। ये आत्मसात ज्ञान हो जाए भागवत की कथा से, सत्संग से, किसी भी कहानी से, किसी भी उदाहरण से, किसी भी दृष्टांत से। सद्गुरुदेव भगवान की महाराज की कथा के बाद में जब पता चला तो उन्होंने लेने के लिए अखरोज जी को भेजा। एकांत में गए, अखरोज जी को बुलाया और बोले अखरोज जी तुम क्या करो कि जाओ कहाँ पर, मथुरा, और मथुरा में जाकर सोने का मेरा रथ ले जाओ, बलराम श्री कृष्ण को इसमें बिठा दो। मैंने नारद जी से सुना कि वो बलराम श्री कृष्ण है, वही मेरे शत्रु हैं पहले जन्म के, और वही देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, उन्होंने मेरे अनेक असुरों को मारा है, अगासुर को, बकासुर को, पुतना आदि को, तो मैं उनको बुलाकर, मेरे पहलवान हैं, उनसे मरवाऊँगा, पर तुम वहाँ पर जाकर ये सब बातें मत बताना, और नंद बाबा को भी बोल देना तुम भी आना, और बोलना कि 5 दिन का धनुष यज्ञ उसमें तुमको बुलाया है। तो बोले ठीक है। इधर से उन्होंने फिर अरिष्टासुर नाम के अपने असुर को भेजा। वो अरिष्टासुर कौन था, बैल के रूप में आया, एक घोड़े के रूप में आया, अरिष्टासुर बैल आया। बैल क्या है, धर्म का प्रतीक है, और अब धर्म के रूप में अधर्म आने लगे। इधर बाबा जी बने रहते, संत बने रहते, इधर लड़कियों को रखते हैं, इधर अत्याचार करते हैं, दुराचार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं उन लड़कियों पे। तो ये क्या है, अरिष्टासुर। अरिष्टासुर मतलब बेल, बेल मतलब धर्म। इधर बाबा जी बन जाते, संत बन जाते, गुरु बन जाते, हमारे आश्रम में आओ, तुम सेवा करो, और तुम सब साध्वी बनो, साध्वी बना के उनके साथ क्या करते हैं पता नहीं। तो इसलिए ये अरिष्टासुर को मारने के लिए अभी भी भगवान आएंगे ऐसा लगता है करके। तो उन्होंने फिर 18 पैर पीछे, पैर पीछे उसको ढकेला, बेल को। भगवान आए थे ब्रज से, गैया चरा के भगवान आए, और गोपिया और ग्वाल उस समय दुखी हो रहे थे। भगवान ने बेल को देख लिया, भगवान पहचान गए ये अरिष्टासुर है, और भगवान ने उस अरिष्टासुर का, बेल का भी, बेल के रूप में आए हुए अरिष्टासुर का भी उद्धार किया। फिर एक दिन घोड़ा भेजा, केसी नाम था उसका, और वो 400 हाथ दूरी पर भगवान ने उसको फेंक दिया एक ही बार में। फिर उस केसी का भी उद्धार किया, उसके मुख में अपना हाथ दे दिया, वो हाथ लोहे का सा बन गया गरम गरम, उसके भी प्राण झटपटा के निकल गए, उसका भी उद्धार किया। और जहाँ केसी को, असुर को मार के भगवान बैठे, उसका नाम केसी घाट है। आज वो केसी घाट वृंदावन में है, तो केसी असुर की याद दिलाता है, भगवान ने उसका उद्धार किया करके। तो वहाँ पर भगवान पर देवताओं ने फूलों की वर्षा की, और भगवान का जय जयकार किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल। फिर एक मयासुर का पुत्र था, वो ग्वाला का रूप लेके आया, बोले हम तुम्हारे तरफ खेलेंगे, तुम्हारे साथ खेलेंगे। उसने देख लिया कि कन्हैया होशियार ज़्यादा है, तो बलराम जी को तो कम से कम एक को तो मैं करूं, तो कन्हैया के तरफ बन के हार गया, और बलराम जी को कंधे पे लेके भागने लगा। भगवान पहचान गए कन्हैया जी बहुत होशियार, पर बलराम जी सीधे साधे थोड़े। तो कन्हैया ने कहा दाऊ भैया घोड़ा बड़ा होशियार है, होशियारी से बैठना पहले, फिर भी दाऊ भैया जल्दी से समझने। पर देखा कि वो तो खूब उछल उछल के आकाश में चलने लगा, तब तो दाऊ भैया ने जान लिया, कन्हैया का इशारा पहचान लिया, और दाऊ भैया ने फिर उसको जोर का एक भुक्का मारा, और उस मयासुर का भी उद्धार कर दिया। अब इधर चले हमारे अक्रूर जी, कहाँ, गोकुल, कन्हैया को, दाऊ भैया को लेने के लिए। तो रास्ते में विचार कर रहे हैं कि मैं तो उनको मारने के लिए जा रहा हूँ, तो मारने के लिए लेने को जा रहा हूँ, तो ये लोग बोलेंगे कि, कन्हैया बोलेगा कि देखो मेरे को मारने के लिए लेने को ले आए, वैसे मैं उनका चाचा लगता हूँ, पर फिर अब वो मेरे को चाचा क्यों बोलेंगे, कहीं सुन देख लेंगे कि मैं आ रहा हूँ, तो कहीं छुप जाएंगे, कहीं चल जाएंगे गोकुल छोड़ के, मुझे उनके दर्शन होंगे नहीं होंगे।
अनेक विचार कर रहे हैं, लेकिन उनका मन भक्ति से प्रेम से भर गया है उस समय, और विचार कर रहे हैं कि भगवान कैसे होंगे। द्रक्षामि नूनम सुकपोलनाशिकम स्मितावलोकारुण कंजलोचनम मुखम मुखंदस्य गुड़ालकावृतम प्रदीक्षणम मे प्रचरन्ति वही मृगा। अरे भगवान तो कितने सुंदर है, द्रक्षामि नूनम सुकपोल नासिकम, उनकी कपोल बड़े सुंदर है, उनके सुंदर सुंदर दांत है, बड़ी बड़ी आंखें है, मधुर मधुर मुस्कान है, स्मिता अवलोकारुण कंज लोचनम, कमल के समान उनके नेत्र है, कमल के समान उनका मुख है, मुख के ऊपर घुंघराली लटे लटक रही है, वो मेरे को मिलेंगे कि नहीं, वो कहीं छुप तो नहीं जाएंगे, प्रदक्षिणा मेरे दक्षिण की ओर हरण का झुंड जा रहा, सगुन बहुत अच्छा है, मिलेंगे मिलेंगे, कभी लगता मिलेंगे कभी नहीं लगता, कभी रथ चलाते कभी रथ खड़ा कर लेते, कभी भगवान का ध्यान करने लगते, ऐसे करते करते सुबह से निकले मथुरा, पहुँचते पहुँचते शाम हो गए। उस समय भगवान गो दूने के लिए जा रहे थे दाऊ भैया के साथ, उन्होंने जाके उनको प्रणाम किया, भगवान ने उठा के उनको हृदय से लगाया और कहा चाचा जी, खुश हो गए। और फिर उन्होंने सारा समाचार पूछा, उन्होंने बताया कि कंस तो सबको बहुत दुखी कर रहा है और उन्होंने तुमको मारने के लिए बुलाया, सारी बात बता दी। भगवान ने कहा तुमने हमको सारी बात बता दी, अच्छा किया, लेकिन नंद बाबा हमारे बाबा को और मैया को ये सब बात मत बताना, केवल इतना ही बताना कि 5 दिन का धनुष यज्ञ उसे देखने के लिए बुलाया, सोने का रथ भेजा इनके मामा। मैया यशोदा ने जब सुना कि लाला को लेने के लिए सोने का रथ आया तो मैया का हृदय बैठ गया और मैया रोने लगी, और मैया कहने लगी नंद बाबा को कि देखो तुम चले जाओ, ज़्यादा ही तुम्हारा मन है तो तुम बलराम जी को ले जाओ, बड़े भैया को, लेकिन कन्हैया को मत ले जाओ, कन्हैया बहुत छोटा है कोमल है, और कन्हैया जब सुबह गैया चराने के लिए जाता है और शाम तक जब वापस नहीं आता है तो उसको देखे बिना मेरा मन नहीं लगता है, और जब वो मथुरा चले जाएगा तो मेरा मन नहीं लगेगा, और मैंने ऐसा सुना मथुरा की जो नारिया है वो बड़ी जादूगरनी है, कहीं कन्हैया पे जादू डाल दिया और कहीं कन्हैया वापस नहीं आया तो मैं कन्हैया के बिना जी नहीं सकूंगी, इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम जाओ, ज़्यादा करो तो दाऊ को ले जाओ, लेकिन कन्हैया को मथुरा मत ले जाओ। नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया का खुद का भी मन मथुरा जाने का है और मैं उनके साथ जाऊंगा और 2-4 दिन घुमा के वापस ले आऊंगा, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो। पर यशोदा जी का मन नहीं मानता है और उस समय आकर उद्धव का बड़ा सत्कार किया, गाय के दर्शन कराए अक्रूर जी का, और अक्रूर जी को सुलाया धुलाया, हाथ पैर दबवाए और भोजन अच्छा से करवा दिया, लेकिन सबको अक्रूर अच्छा नहीं लग रहा था, सोचते थे कि ये अक्रूर क्या आ गया हमारे भगवान को लेने के लिए और इसके साथ भेजना भी नहीं है और भगवान जाने को तैयार है। गोपियों को पता चला, गोपियाँ रोने लगी, ग्वालों को पता चला, ग्वाले कहने लगे कन्हैया सुना है कि तू कल मथुरा जाएगा। कन्हैया ने कहा हाँ, तो बोले हम भी तेरे साथ चलेंगे, हमारे बिना तेरी देखभाल कौन करेगा। तो कन्हैया ने कहा हाँ ये बात तो सच है, तुम्हारे बिना मेरी देखभाल कौन करेगा, तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही होगा। तो बोले हम सब तैयार हो जाए, बोले हाँ हो जाओ, बाबा को पूछ लो, अपने माता पिता को पूछ लो, सब गोल बाल तो तैयार हो गए। वो बेचारे भोले वाले सरल, उनके थोड़ी मालूम कि क्या होगा आगे, पर गोपियाँ तो जानती थी, गोपियाँ रोने लगी, राधा जी को पता चला, राधा जी भी बेहोश हो गई और राधा जी भी रोने लगी। तो भगवान एकांत में जाके श्री राधा जी से मिलते हैं और राधा जी कहने लगी तुम जाने की तैयारी कर रहे, बोले हाँ। तो राधा जी कुछ बोली नहीं, तो बोले राधा तू क्यों रोने लगी है, तो बोले अब तुम जा रहे हो तो मैं रोऊंगी नहीं तो क्या हंसूंगी, बोले हंसने की बात तो नहीं है लेकिन रोने की भी नहीं है, देखो दुष्टों को मारने के लिए तो बलराम ही बहुत है, मेरा अवतार दुष्टों को मारने के लिए नहीं हुआ, मेरा अवतार तो भक्तों को प्रेम का दान देने के लिए हुआ, मैं तुम्हारे को प्रेम देने के लिए ही अवतार लिया हूँ, लेकिन दुष्टों का संहार भी करना ही है, इसलिए मैं मेरे प्राणों को तुम्हारे प्राणों में रख के जाऊंगा, तो मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए आप अपने प्राणों की रक्षा करना। देखो राधा, मैं ये बांसुरी बजाता था तो ये बांसुरी तुम कभी कभी चुरा भी लेती थी, मैं ये तुम्हारे लोगों के लिए बजाता था पर अब मैं मथुरा में इसको नहीं बजाऊंगा,
तुम ये बांसुरी अपने पास रखो और तुम रोओ मत। राधा जी फिर रोने लगते हैं। कन्हैया उनको समझाते हैं। राधा जी को धीरज नहीं आता है, गोपियों को धीरज नहीं आता है, मैया यशोदा जी को भी धीरज नहीं आता है। मुरली तो दिए जात हो, लिए जात हो प्राण, तुम बिन मोहन जीवन, जीवन मरण समान। भगवान ने सबको समझाया। रात को कोई को नींद नहीं आई, भगवान भी नहीं सोए। जब भक्त जागते हैं तो भगवान भी नहीं सो पाते हैं। मैया यशोदा आंगन में बैठ के रो रही है, भगवान उठकर आते हैं, मैया को समझाते हैं, अपने दोनों हाथ उसके गले में डाल देते हैं। मैया मैया तू क्यों रोती है? मैया ने कहा, लाला तू कल चले जाएगा ना, इसलिए मेरा मन दुखी हो रहा। मैया मैं जाऊँगा तो क्या हो गया, मैं वापिस आऊँगा। मैया तू रोए मत। मैया ने कहा, तू सचमुच वापिस आएगा? हाँ लाला मैं लाला ने कहा, मैया मैं वापिस आऊँगा। मैया सो जाती है, लाला उसके हृदय में प्रवेश कर लेते हैं। मैया सुबह उठती है, लाला को स्नान कराती है, अपने हाथ से भोजन कराती है। मैया को लगता है आज तो मैंने इसको भोजन कराया, लेकिन अब पता नहीं कौन सा ऐसा शुभ दिन आएगा जब मैं फिर लाला को अपने हाथ से भोजन करा पाऊँगी। तो मैया फिर रोने लगती है। तैयारी जाने की हो जाती है, ग्वाल बाल तैयार हो जाते हैं, छकड़े तैयार हो जाते हैं। बाबा नंद बाबा ग्वाल बाल चल देते हैं, रथ तैयार हो गया है, दोनों भाई बैठने लगे हैं, ब्रजवासी रोने लगे हैं, गोपियाँ रो रही है, राधा जी बेहोश है। भगवान सबको समझा रहे हैं पर कोई समझने को तैयार नहीं। रथ चलने लगता है, गोपियाँ रोने लगती है। भगवान ने संदेश भेजा कि मैं परसों ही आ जाऊँगा। तो वहाँ से भगवान विदा होते हैं। यहाँ पर यमुना जी के किनारे आने पर अक्रूर जी ने कहा कि मुझे स्नान करने की इच्छा है, तो बोले तुम स्नान कर लो। न जाओ छोड़ ब्रज नंदन, हमारे प्राण जाते हैं। न जाओ छोड़ ब्रज नंदन, हमारे प्राण, हमारे आह के आंसू तुम्हें रो रो बुलाते हैं। हमारे आह के आंसू तुम्हें रो रो बुलाते हैं। न जाओ छोड़ ब्रज नंदन, हमारे प्राण तड़पते गाय और बछड़े नहीं चरने को जाते हैं। तड़पते बछड़े नहीं चरने को जाते। पपैया मोर रोते हैं, हमारे प्राण जाते हैं। पपैया मोर रोते हैं, न जाओ छोड़ ब्रज नंदन, हमारे प्राण जाते हैं। न जाओ छोड़ ब्रज, खिलाए किसको हम माखन, रिझाए किसको मन मोहन। खिलाए किसको हम माखन, रिझाए किसको मन मोहन। ओपन घट याद करता है, हमारे प्राण जाते। ओपन घट याद करता
न जाओ छोड़ ब्रजनंदन, हमारे प्राण जाते हैं। न जाओ छोड़ ब्रजनंदन, हमारे तुम्हारी बांसुरी बिनयो हमारी रात सुनी है। बिनयो तुम्हारी बांसुरी बिनयो हमारी रात सिसकता आज गोवर्धन, हमारी प्राण सिसकता आज गोवर्धन, हमारे न जाओ छोड़ ब्रजनंदन, हमारे हमारे प्राण को ले लो, हमें घन श्याम को दे दो। प्राण को ले लो, हमारे प्राण को ले लो, हमें घन श्याम को दे दो। बनो ना कूर तुम अक्रूर, हमारे प्राण जाते। बनो ना न जाओ छोड़ ब्रजनंदन, हमारे प्राण न जाओ छोड़ ब्रजनंदन, हमारे प्राण जा, हमारे प्राण जा। भगवान वहाँ से चले, जमुना जी में स्नान किया। भगवान ने जमुना जी में अक्रूर जी को अपना दिव्य दर्शन दिखाया, दिव्य धाम दिखाया। अक्रूर जी को लगता था ये छोटे छोटे बालक है, इतने लोग रो रहे हैं, कल इनको कुछ हो गया तो। भगवान बोले मेरे को कुछ नहीं हो सकता है, मेरी चिंता मत करो, मैं तो सबको जिलाने वाला और मारने वाला भी मैं ही हूँ, इसलिए मेरी चिंता मत करो। ये दर्शन कराया भगवान ने किसको? अक्रूर जी को, जमुना जी में दिव्य दर्शन, दिव्य धाम के दर्शन कराए। और बाबा चले गए थे आगे, तो भगवान भी ओ हाँसी से आई है ना, भूख प्यास कुछ लगी पानी गिने नहीं। इस तरह से भगवान वहाँ से गए तो बाबा के पास रुके। अक्रूर जी ने कहा प्रभु आप मेरे घर चलो। भगवान ने कहा अक्रूर जी आपका घर मेरा ही घर है, लेकिन इस समय मैं मेरे बाबा के ही पास रुकूँगा। बाबा के पास मैया ने दिया हुआ भोजन था, ग्वाल बाल सब बाहर देख रहे थे। नंदलाला को देखते ही सब लोग उछल पड़े और सब ने नंदलाला को अपने पास बिठा लिया और बाबा अपनी गोदी में लेकर लाला कन्हैया को खिलाने लगे। लाला कन्हैया भोजन नहीं करना चाहता था, बोला बाबा आज मेरी मैया ने भोजन नहीं किया होगा, बाबा आज मेरी मैया रो रही होंगी, बाबा आज मेरी मैया ने भोजन नहीं किया, मैं कैसे भोजन करूं? नंद बाबा ने कहा लाला तू भोजन कर ले, तेरी मैया भी भोजन कर लेंगी, तू यदि भोजन नहीं करेगा तो उसका मन और उदास हो जाएगा, तू भोजन कर ले। ज़बरदस्ती नंद बाबा ने लाला को मैया ने दिया हुआ माखन मिश्री आदि भोजन कराया और ग्वाल बालों ने भोजन किया, नंद बाबा ने भोजन किया, रात्रि में वहीं रहे। प्रातकाल में सब नहा धो के तैयार हो गए और कन्हैया ने कहा बाबा आपकी आज्ञा हो तो हम सब लोग मथुरा नगरी देख के आएंगे। तो कन्हैया नंद बाबा ने कहा ये अपना वृंदावन धाम नहीं है, गोकुल नहीं है, इसलिए तू यहाँ पर अकेला मत जा,
दाऊ भैया ने कहा अकेला थोड़ी है, मैं भी इनके साथ जा रहा हूँ भैया। दाऊ भैया ने कहा बाबा आप चिंता न करो, सब ग्वाल बाल और दाऊ भैया और कन्हैया मथुरा देखने के लिए गए हैं, और आगे आगे कन्हैया दाऊ भैया, पीछे पीछे ग्वाल बाल, उनकी आदत थी। बाल कन्हैया लाल की, ऐसा बोलते हुए जाते। जब आवाज़ सुना तो सब मथुरा की नारियाँ धाने लगी, धाये धाम काम सब त्यागी, मानो रंक निधि लूटन लागी। जैसे भगवान को देखकर, राम जी को देखकर मिथिला की सब स्त्रियां भागने लगी, देखने के लिए दौड़ने लगी, और सारा काम छोड़कर राम जी लक्ष्मण जी को देख रही है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी मथुरा में भगवान कृष्ण की जय जयकार सुनकर सब मथुरा की नारियाँ भगवान को देखने के लिए कोई झरोके में कोई कहीं से देख रही है और भगवान की महिमा का वर्णन कर रही है। इस तरह से भगवान मथुरा में गए तो पहले भगवान को एक धोबी मिला। भगवान जब तक गोकुल में थे तो भगवान ने सिले हुए वस्त्र नहीं पहने। भगवान ने सोचा कि मैं आज सिले हुए वस्त्र पहनूंगा और ग्वाल वालों को भी वस्त्र पहना दूंगा, उसके बाद में मेरा श्री गणेश वस्त्र पहनने का हो जाएगा। तो भगवान ने धोबी से कहा, धोबी तू किसका धोबी है? बोले कंस का। तो बोले कंस तो हमारे मामा है, तो इनके वस्त्र है तो थोड़े हमको भी दे दे। अरे बोले राजा के वस्त्र तू क्या जानता है, हमको पता है तेरे मामा ने तेरे को क्यों बुलाया, तो मालूम है, तो फिर तो आप दे ही दो। तो बोले हमको मालूम तेरे को मारने के लिए बुलाया है। धोबी चटर चटर करने लगा, तो वही धोबी जिसने राम अवतार में सीता जी की बुराई की थी, तो भगवान ने उसको एक जोर का ही चटा चाटा मारा थप्पड़, तो उसका हो गया काम तमाम, गठरा छोड़ के भागा, उसके साथी भी भागे। फिर भगवान ने वस्त्र पहने, दाऊ भैया ने पहने और ग्वाल वालों को भी वस्त्र दिए, पर वो कपड़े तो बड़े बड़े असुरों के थे और भगवान थे छोटे छोटे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन। अब वो कपड़े तो ऐसे आवे कि रास्ता से झाड़ू ही निकालते चले, तो एक टेलर ने देखा तो बोला कि आप यदि आज्ञा दो तो आपके कपड़े फिटिंग कर देते हैं काट पीट के। बोले बड़ी कृपा होंगे। फिर सबके वस्त्र काट छाट के उस टेलर ने ठीक करे, इसलिए टेलर को आशीर्वाद दे दिया, तेरे पैसे की कमी नहीं होगी, अब जितने का कपड़ा उतने की सिलाई टेलरों की हो रही है, हाँ मौज हो रही है क्योंकि भगवान का आशीर्वाद। तो इस तरह से फिटिंग के कपड़े पहने, ग्वाल वालों ने भी पहने, तो ग्वाल वालों ने कहा लाला इन कपड़ों से तो हम बहुत सुंदर लग रहे हैं, कपड़े भी बड़े सुंदर चमकने वाले हैं। तो अरे लाला तो अब तो हमारी चट और पट शादी हो जाएंगी, तो तेरी भी हो जाएंगी, अब तू यहाँ का राजा बन जाएगा तो तू हमको भूल जाएगा, तू हमारी शादी में आएगा कि नहीं आएगा? कन्हैया ने कहा ऐसा क्यों बोलते हो, हम तो तेरे तुम्हारे सबके शादी में आएंगे, पर तुम हमको बुलाओगे तब ना, शादी होती है तो तुम सब हमको भूल ही जाते हो, हमको एक अलमारी में रख देते हो, उसमें थोड़ी सी चीनी और एक छोटी सी गड्ढी में पानी, बस पीते रहो बैठे रहो, तुम खाते हो मिठाइयाँ। तो बोले कि हम तुम हमको याद करोगे तो हम आएंगे। क्या शादी में कौन बोलता है? वो बुढ़िया मरी ना, वो आते नहीं नहीं बिल्कुल ब्याह में ज्यादा करना चाहिए उनका, ऐसा करोगे तभी तो तुम्हारा ना। तो तुम क्या मानते हो? बोले वृंदावन बिहारी लाल, खूब हनुमान जी का दीवा लगाना चाहिए। पहले लोग बोलते हनुमान जी को छूना नहीं चाहिए, हनुमान जी को छूना नहीं चाहिए। हम दोनों बहना बराबरी की स्थिति, वो मेरे से 2 साल 2.5 साल बड़ी, हम जाते हनुमान जी के चरण छूते, देखो तो सही लगा का हाथ के दोनों खूब छूते थे। देखो मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, उसका भी 2 छोरा 1 छोरी है, पति है और खूब मौज है उसके भी, राम जी के दीवे, हम दोनों खूब छुए हनुमान जी को और सब दिन दीवा लगाया। और अभी तो कोई कोई के यहाँ तो आज मरा है ना उनके घर में, तो भी भगवान को नहलाते हैं, भोग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं।
मरने वाले दिन भी, और शादी में तो फिर ज़्यादा ही करते हैं। और शादी में तो आजकल क्या होता है, बेटे के ससुराल वाले तो उनसे भी बोलते हैं हमारे ठाकुर की पोशाक पहले लाना बाद में हमारे लाना, हमारे ठाकुर का आभूषण पहले लाना हमारे लिए बाद में लाना। और गुरु जी के भी लिए मांगते, ये लीला मांग के लाई है, ये सरोज मांग के लाई है मेरे लिए भी, बोले हमारा तो गुरु जी का पहले दो, बोले मेरी मिलनी भी लाई है। और वो पहले एक वीरेंद्र था, वो भी मेरी मिलनी लेता था, और उस समय 4 रुपये मिलनी थी, शायद वो 4 रुपये लेता था मेरी कोरी कोरी नोट, उस समय 4 रुपये थे, अब को 4 रुपये नहीं रहे, अब तो बहुत हो गए। तो इस अनुसार अभी भी तो बहुत लोग अभी अपने गुरु की और अपने भगवान की मिलनी भी लेते हैं, और कोई कोई लोग भोजन कराते हैं ना आश्रमों में भी, तो भगवान की भी भोजन की दक्षिणा देते हैं, और भगवान के भोग भी लगता है सब कुछ का। हमारे यहाँ तो कोई भी पहले नई चीज़ आई तो भगवान को ही चढ़ाई जाती थी, चाहे वस्त्र नया हो, चाहे सोना का आभूषण आओ, चाहे फल फ्रूट में कोई नई चीज़ आओ, तरबूज खरबूज आम पहली बार आए तो भी भगवान को चढ़ते हैं। और अजर धाम में भी चढ़ता था, माँ के पास भी चढ़ता था, माँ के संस्कार तो थे ही थे, अजर धाम में भी वैसे ही संस्कार मिले, और गुरुजी भी हमें संस्कार ही मिले, और उनका ही थोड़ा बहुत संस्कार, अच्छी बातें हम में होंगी एक आधी तो उन्हीं की होंगी, नहीं तो हमारे अपने में तो कोई सद्गुण है नहीं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान क्यों। इस तरह से भगवान ने धोबी को मार के आगे गए तो एक सुंदर थी मुख से, लेकिन 3 जगहों से टेढ़ी, और चंदन लेके जा रही थी, उसकी चंदन की खुशबू आ रही थी। भगवान ने कहा अरे वो सुंदरी, तो उसने कहा कि मेरे को कौन सुंदरी, बोलता ही नहीं है, तो उसको कुब्जा बोलते थे सब लोग, नाम तो उसका दूसरा था। तो भगवान ने जब सुंदरी कहा तो पीछे देखा, तो भगवान ने कहा कि मैं आपको ही बुला रही हूँ। तो उसने देखा भगवान को, तो भगवान पर मोहित हो गई, तो बोले कि हम थोड़ा चंदन चाहते हैं। बोले ये चंदन आज मैं तुमको ही लगाऊंगा, मैं तो ये कंस के लिए ले जा रही थी। तो भगवान को लगाया, दाऊ भैया को लगाया, ग्वालों को लगाया, ग्वालों ने कहा कन्हैया ये कंस के यहाँ चंदन लेके जाती तो कंस तो इसको कुछ देता होगा, तू क्या देगा। कन्हैया ने कहा मैं तो ऐसे चीज़ दूंगा जो कंस दे ही नहीं सकता। तो भगवान ने उसके पाँव पे पाँव रखा एड़ी, और उसकी थोड़ी उचकाई, और 3 जगहों से टेढ़ी वो बन गई सुंदरी। तो उसने कहा कि अब तुम मेरे घर चलो। तो भगवान का पकड़ लिया पीतांबर, पहले बोले भगवान तुम 3 जगहों से टेढ़े, ये 3 जगहों से टेढ़ी, दोनों की बन गई जोड़ी, अच्छी लग रही। भगवान ने कहा कि देवी तेरा घर तो मेरा ही है, मैं फिर कभी आऊँगा पर आज नहीं आऊँगा। तो भगवान वहाँ से फिर आगे गए, तो आगे गए तो सेठ लोगों ने बुलाया, उन्होंने 5 सुपारी वध की, और बोला भगवान हमको ऐसा आशीर्वाद दो कि हमें तो लक्ष्मी चाहिए। भगवान ने बोला तथा दो। वहाँ से भगवान गए यज्ञशाला में, और जाकर भगवान ने सीधे उस धनुष को प्रणाम किया, और दाऊ भैया से पूछा कि क्या ये धनुष उठा लूँ। वो धनुष कम से कम 50-60-70 लोग उठा के लाए थे, तो वहाँ खड़े हुए लोग बोलने लगे ए छोरा, इतने से छोरा टिंगरिया, तू उस धनुष को उठा लेगा क्या। दाऊ ने कहा उठा के देख ले एक बार, उठा के देख लो। उन्होंने कहा उठा, और उन्होंने भगवान ने उठा लिया, एकदम उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब तो वो घबरा गए, एक टुकड़ा डाल दिया दाऊ भैया की तरफ, एक टुकड़ा अपने हाथ में, और धनुष के आधे आधे टुकड़े से जो जो आए उनका काम तमाम कर दिया। कुछ मरे कुछ अधमरे, और कुछ गए कंस के पास, कहने लगे कि धनुष भंग हो गया। कंस ने बोला इतने लोग बैठे थे, धनुष भंग कैसे होने दिया। बोले वो छोटे छोटे बच्चे, हम समझे ये क्या करेंगे, तो इन्होंने तो कर दिया। तो बोले वही होंगे, तो बोले वही है। पंडितों ने कहा जब धनुष यज्ञ भंग हो गया तो तुम राज्य तुमके कृष्ण को देकर भजन में लग जाओ। कंस ने कहा ऐसा मत बोलो, अभी अभी मेरे बड़े बड़े पहलवान हैं, हाँ चानूर मुष्टिक शल तोशल आदि, कल उनको सब मार देंगे, और फिर मेरा एक कवलिया पीड़ हाथी भी है। तो बोले अच्छा भाई तुमको विश्वास है तो, पर पंडित बोले अब हमारा विश्वास हो गया खत्म। पंडित अपनी माला करने लगे, और भगवान आ गए दाऊ भैया के साथ, ग्वाल वाला के साथ अपने पिताजी के पास, और कहने लगे बाबा मैंने कहा कि मैं नंद बाबा का लाला हूँ, मैया यशोदा का लाला हूँ, तो किसी ने तो मेरे को ये, और एक मालिन सुदामा नाम का मिला, उसने ऐसी माला भी पहना दी थी फूलों की। तो बोले ये माला पहनाई, किसी ने नए वस्त्र पहना दिए, किसी ने चंदन लगा दिया, बड़ा स्वागत सत्कार किया, किसी ने 5 सुपारी भी दी बाबा हमको, सेठों ने दी थी ना। तो बाबा ने कहा इस गांव में जब बच्चों का जन्मदिन होता तो मैं आता हूँ, उनको वस्त्र देता हूँ, तो मेरे लाला को भी दिया होगा। बाबा बड़े सीधे भोले सरल मन के, रात को बाबा के पास रहे, फिर सुबह स्नान ध्यान करे, उतने में बुलावा आया कि कंस के यहाँ
अखाड़े में मल्ल युद्ध होगा उसको देखने के लिए सबको बुलाया है। बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ चले, बाबा भी गए वहाँ पर बैठ गए। और उसी समय कवलिया पीढ़ हाथी को छोड़ दिया गया। कवलिया पीढ़ हाथी के अंदर 100 हाथी का बल था और उसको मद पिला रखा था और वो ऐसे ऐसे सूंड कर रहा था। भगवान ने कहा महावत को, ए महावत इसको हाथी को थोड़ा एक तरफ बिठा ले, हमको मामा ने बुलाया अंदर जाना है। बोले हमको मालूम है काय के लिए बुलाया, हाथी को हम नहीं हटाएंगे, महावत भी पिया हुआ था। भगवान ने कहा तू नहीं हटाएंगा तो मैं तेरे सहित इसको हटा दूंगा। भगवान क्या करे, उस कवलिया पीढ़ हाथी के बीच में जाके छुप गए। अब वो सोंड से कभी इधर मारे कभी इधर मारे, कभी कभी मद भी पिया हुआ था तो इधर मारे कभी उधर मारे कभी इधर मारे, ऐसे मारते मारे अधमारा हो गया। तब भगवान ने पकड़ी उसकी सूंड और उसका कल्याण कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान। 10,000 हत्ती का बल जिस कवलिया पीढ़ हाथी में था उसका भगवान ने उद्धार किया और वहाँ से भगवान उसका दांत, हत्ती के दो दांत दिखाने के होते, दो खाने के अलग होते, तो दोनों दांत तोड़ लिए, एक दे दिया दाऊ भैया को एक अपने पास, और हाथ उसके साथ ही वहाँ पर आकर खड़े हो गए। कहाँ पर? मल्ल युद्ध जा हो रहा था, पहलवान खड़े थे। तो भगवान को सबने देखा, कैसे देखा? जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सबने भगवान को अपनी अपनी दृष्टि से देखा। किसी को भगवान बाल स्वरूप दिखने लगे, किसको सगे संबंधी दिखने लगे, दुष्टों को काल के समान दिखने लगे। और वहाँ पर चाणूर्मिष्ट था, उसने कहा कि ए बलराम, ए श्री कृष्ण, तुम हमारे साथ आकर युद्ध करो, क्यों मल्ल युद्ध करो, क्योंकि हमारे राजा कंस को मल्ल युद्ध देखने का बड़ा शौक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा चाणूर्मिष्ट, हम भी इस राजा की वनवासी प्रजा है, राजा को प्रसन्न करना हमारा भी कर्तव्य है। हम राजा को प्रसन्न करने के लिए मल्ल युद्ध करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम हमारे बराबरी के बालकों के साथ मल्ल युद्ध करेंगे ना? तुम इतने बड़े बड़े पहलवान, हम छोटे छोटे बालक, भला हम तुम्हारे साथ कैसे मल्ल युद्ध कर सकते हैं? चाणूर्मिष्ट ने कहा तुम अपने आप को बालक कहते हो? अरे 10,000 हत्ती का बल जिस कवलिया पीढ़ हाथी में था उसको मार कर उसके दांत लेकर अभी बाई इधर आ रहे हो और अपने को बालक कह रहे हो? हाथ पकड़ के घसीटने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हाथ पकड़ के घसीटने की जरूरत नहीं है, हम मैया यशोदा माता का दूध पीकर आए हैं, हाँ हम बोतल का दूध पीने वाले नहीं हैं, इसलिए हम तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। तो चाणूर के साथ भगवान श्री कृष्ण और मुष्टिक के साथ भगवान बलराम जी का मल्ल युद्ध होने लगा और नगाड़े बजने लगे। नगाड़े बजते बजते मल्ल युद्ध में भगवान ने चाणूर का उद्धार कर दिया, मुष्टिक का बलराम जी ने कर लिया, शल तो शल आए उनका भी कर दिया, जो जो आते गए उन सबका उद्धार होता गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नगाड़े बजने लगे, कंस ने कहा नगाड़े बंद कर लो, मेरे ही सब मारे जा रहे हैं, तुम नगाड़े बजाए जा रहे हैं। वो आँख बंद करके अपने नगाड़े बजाए जा रहे थे, कूद के भगवान चले गए, कंस के बाल पकड़े और कंस नीचे गिर गया। और उसी समय कंस के ऊपर छाती पर भगवान बैठे और कंस का उद्धार हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। इस तरह भगवान ने कंस का उद्धार किया और कंस का उद्धार कर कर भगवान अपने माता देवकी के पास पहुँचे और देवकी माता से कहने लगे कि मैं तो बहुत दिन तक आपको कष्ट देता रहा, आया नहीं, मेरे लिए आपको इतना कष्ट सहन करना पड़ा, आप मुझे क्षमा कर दो। मातरम पीतरम वृद्धम भार्याम साधवी शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम चे कल्योग की विप्रसन गत। भगवान ने कहा कि हम तो आपकी शरण में, आप हमारे माता पिता है, आप हमें क्षमा कर दो। माता पिता ने उनको हृदय से लगाया, उनकी बेड़ी भगवान ने खोली और उसके बाद में अपने नाना जी की बेड़ी भी खोली और माता पिता को भी वहाँ से मुक्त करा। बोलो भक्त वत्सल भगवान। मोर मुकुट बंसी वाले। गिरिराज धरन की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। अभी रंदे बैठिए चुपचाप। हरे कृष्ण 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 क्यों कर रहे हैं बीच बीच में? या मन से ही करिए क्या? हरे हरे कृष्ण अच्छा लगा को भी मां। इससे तुम्हारी वृंदावन बहुत अच्छी कथा हुई। हाँ ये अच्छा लग रहा है क्या? क्यों भी चीज ना गड़बड़ कर समझ दी उन्हें? रात होगी बहुत बहुत रात होगी क्या? बहुत देर बीच में गड़बड़ क्यों करो? 10 लोग अठा बैठे हैं, गड़बड़ करो। नारायणी सुनाएंगे एक भजन, मन में रह गया ना इसका भजन सुनने, सुना दे नारायणी भजन। कोई सा भी सुना दे जतन करते, हाँ फिर तुम भूल जाएंगे ना, क्योंकि अभी कंस तो मार दिया अंदर का कंस मरे, जब आनंद आया ना। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हनुमान तेरा कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगा, हनुमान तेरा कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगा, महावीर तेरा कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगा, महावीर तेरा कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगा। भगत तूने बहुत की रघुकुल पे उपकार, भगत तूने बहुत की रघुकुल पे उपकार, याद तुझे रखेगा मेरा ये परिवार, याद तुझे रखेगा मेरा है इतने इंसान तेरे, क्या मैं आँख दिखाऊंगा, हनुमान तेरा कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगा, महावीर तेरा कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगा। सुन ले हनुमान प्यारे, ये वायदा राम का है, सुन ले हनुमान प्यारे ये वायदा राम का है, जो भी है पास मेरे सारा हनुमान का है, जो भी है पास मेरे सारा हनुमान का है, जब भी धरती पे मेरा कोई अवतार होगा, जब भी धरती पे मेरा कोई अवतार होगा, चाहे किस रूप में हो मिलन हर बार होगा, चाहे किस रूप में हो मिलन हर बार होगा, तेरे बिन लीला धरती पे मैं नहीं रचाऊंगा, हनुमान तेरा कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगा,
महावीर तेरा कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगा, अगर दुनिया में तेरा किसी को विश्वास नहीं है, अगर दुनिया में तेरा किसी को विश्वास नहीं है, चाहे कर ले वो कितनी भक्ति वो मेरा दास नहीं है, चाहे कर ले कितनी वो मेरा दास नहीं है, जहाँ हनुमान होगा वहीं पे राम होगा, जहाँ हनुमान होगा वहीं पे राम होगा, तेरी भक्ति के बिना तो नहीं कोई काम होगा, तेरी भक्ति के बिना तो नहीं कोई काम होगा, तेरे भक्तों को भवसागर से पार लगाऊंगा, हनुमान तेरा कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगा, महावीर तेरा कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगा, भाई भरत के जैसा आज नाता है तुझसे, भाई भरत के जैसा आज नाता है तुझसे, लक्ष्मण भैया के जैसा आज रिश्ता है तुझसे, लक्ष्मण भैया के जैसा आज रिश्ता है तुझसे, हमेशा सीता तुमको ये अपना लाल कहेगी, हमेशा सीता तुझको ये अपना लाल कहेगी, अपने बेटे के जैसा तुमको संभाल रखेगी, अपने बेटे के जैसा तुमको संभाल रखेगी, तू रघुकुल का बेटा है मैं सबको बताऊंगा, हनुमान तेरा कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगा, महावीर तेरा कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगा, बोल भक्तोर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गिरिराज धरन की जय। गिरिराज जी का तो भजन आज गया ही नहीं था, है ना, कोई बात नहीं, अब है ना, तो भगवान माता पिता को जेल से छुड़ाते हैं, दादाजी को जेल से छुड़ाते हैं, और भगवान गुरुजी के यहाँ सांदीपनि ऋषि के भगवान जी का जनेऊ संस्कार भी करते हैं माता पिता, और फिर गुरुग्रह भी भेजते हैं पढ़ने के लिए। गुरुग्रह पढ़न गए रघुरा आई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई, ऐसे ही मेरे गोविंद भी पढ़ने के लिए जब गए सांदीपनि ऋषि के आश्रम में, तो 64 दिन में 64 कला भगवान ने सीख ली, और रास्ते में ही भगवान को एक ब्राह्मण मिले, उनका नाम सुदामा था, उनकी उनसे मित्रता, उन्होंने उनका काटा निकाला था, तो बोले कि मित्र बोले, तो बोले मित्र बोलने में तो आसान है, नहीं मित्रता निभाना बड़ा कठिन है, हर नाता गुरु का भी नाता, मित्र का नाता, और भाई भाई का नाता तो जन्म से होता है, पर वो भी नहीं निभाते लोग, बहन भाई का नाता नहीं निभता है, अब पति पत्नी का नाता निभता नहीं, पहले तो
पति पत्नी का नाता निभ जाता था, पर अब जैसे साड़ी बदलते हैं ना, ऐसे पत्नियाँ पति को बदलने लगी हैं लड़कियाँ। ओ अपने भारत में सनातन धर्म में भारतीय ये सब रिवाज नहीं है, ये पाश्चात्य देश की सारे रिवाज हो गए। पहन ओढ़ना, ओढ़ना, श्रृंगार करना, बाल बढ़ाना, झिपरे बाल रखना, नक बढ़ाना, होठ पालिश, नक पालिश लगाना और ऐसे ऐसे कपड़े पहनना, अपना शरीर का प्रदर्शन दिखाना, ये बात अच्छी नहीं है। भगवान ने तो 64 दिन में 64 कला सीख ली थी। भगवान का चरित्र सुनो तो उसके बाद कुछ सीखो इससे। आपने सिरनन बहू की कथा सुनी ना, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, विद्वान नहीं थे, लेकिन उसके जीवन में ज्ञान था। बस जीवन में ज्ञान होना चाहिए, क्यों कि ये मनुष्य योनि है, ये बड़ी दुर्लभ मिली, मनुष्य योनि मिली है और ये मनुष्य योनि क्षणभंगुर भी है। दुर्लभो मनुष्यो देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभ मन्यो वैकुंठम प्रिय दर्शनम, भागवत का श्लोक है कि ये क्षणभंगुर है और इसमें ही हमें भगवान की प्राप्ति करना है। और यह यदि चूक गया तो चूक गया, फिर क्या होगा, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुत दुसारे कृपया पारे पाई मुरारे भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मतिम। एकाग्रता से सुनो, हमारा जी दुखी होता है क्योंकि आपके लिए हमारे लिए गुरुदेव कथा कह रहे हैं इतना प्रेम से समझा समझा के, और हम लोग सुनेंगे नहीं एकाग्रता से, इधर देखे उधर। ये प्रसाद महत्वपूर्ण नहीं है, वाणी का प्रसाद अंदर तक जाना चाहिए, उसको याद रखो, उसको जीवन में उतारो। ये प्रसाद तो थोड़ी देर के बाद तो बस उतरी घाटी हुई माटी, ये भी प्रसाद का अपना समय अपने अपने महत्व है, लेकिन विशेष महत्व इस समय भगवत कथा के कथा का ही है। भगवत कथा का एक शब्द भी हमारे अंदर हृदयंगम हो जाएगा तो हमारा जीवन बदल सकता है। हमने एक बार सुनाया था शायद आपको कि एक जगह से कथा हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि भगवत समर्पित करी हुई वस्तु अनंत गुना हो जाती है। तो एक कभी भगवान को नहीं मानने वाला इतनी कथा सुन लिया और वो रोज गुलाब के फूल के स्टेज पे सोता था, गुरुजी सुनाते। तो एक दिन उसका नौकर आया नहीं, गुलाब के फूल लाके नहीं दिया। उसने सोचा मेरे को तो नींद नहीं आएंगी, चलो खुद ही लेके आ जाता हूँ। तो बगीचे में गया फूल लाने, बरसात आई हुई थी, तो फूल लेके झोली में आ रहा था और नाला बह रहा था, तो उसने छलांग लगाई तो एक फूल नाले में पानी में गिर गया, तो कृष्ण अर्पणस्तु उसके मुँह से निकल गया। उसने सुना था कृष्ण अर्पणस्तु करने से अनंत गुना फल मिलता है भगवान को अर्पित की हुई चीज़ का, तो ऐसा उसके मुँह से निकल गया। और वो पापी भी था, उसने कभी जीवन में पुण्य नहीं किया था, तो जब वो लोगों का गरीबों का शोषण करता था तो मरा तो उसको सजा मिलनी थी, पर उसकी बही खाते में एक पुण्य था, उसने एक फूल भगवान श्री कृष्ण अर्पणस्तु किया था। तो उसको पूछा गया कि भाई तेरे को पहले पुण्य का फल दें या पाप का, तो उसने कहा मेरे को तो पहले पुण्य का ही फल दे दो क्योंकि पुण्य मेरा थोड़ा सा है, पाप तो मेरा बहुत है, फिर मैं भोगते ही रहूँगा। तो बोले तेरे को गुलाब की सेज पे सोने को मिलेगा, बोले ठीक है। तो उसने तो वो तो आदत ही थी उसकी, तो बोले चलो थोड़ी देर वो तो आनंद मजा ले लो, फिर तो पाप तो भोगना ही भोगना है। तो फूल पे वो सोया ना, उसके लिए सेज बनाई तो सोया नहीं, तो उसने बोला ये कृष्ण अर्पणस्तु सेज, तो उसका पुण्य बढ़ते गया। उसको सेज भी सोने को मिल रहा था 5 सेकंड के लिए, फिर उसको 5 दिन के लिए, फिर 10 दिन के लिए, ऐसा उसका बढ़ता बढ़ता गया और भगवान वहाँ प्रकट हो गए और उसको हृदय से लगा के उसकी मुक्ति हो गई। एक शब्द उसने कथा का सुन लिया था, कृष्ण अर्पणस्तु करने का अनंत गुना फल मिलता है, उसने अपने जीवन में हृदयंगम कर लिया। इसलिए इस समय भगवान कथा सुनने का ही महत्व समझना चाहिए, प्रसाद का महत्व नहीं है ये बात नहीं है। एक राजा था जगन्नाथ जी का, और जगन्नाथ जी का प्रसाद राजा के घर जाता परोसा, और जगन्नाथ जी का प्रसाद जाता तो राजा उस थाल को स्पर्श करता, हाथ जोड़ता, फिर वो थाली भंडार घर में जाती, राजा भोजन करने बैठता तब उसका प्रसाद राजा को मिलता। पर उस दिन राजा खेल रहा था तो उसने इस हाथ से स्पर्श नहीं करके इस हाथ से स्पर्श किया थाली का, पुजारी को बुरा लग गया और पुजारी वो थाली वापस ले गए, प्रसाद नहीं दिया राजा के यहाँ। राजा भोजन को गया तो प्रसाद मांगा तो उसको बोले प्रसाद आज नहीं आया, राजा समझ गया।
राजा को अपनी गलती भी समझ में आ गई, वो भगवान का भक्त भी था, पर बस होनहार हृदय बसे बिसर जा सब बुद्ध, ऐसी कहावत है ना। राजा ने स्पर्श नहीं किया, थाली वापिस चले गई, राजा को पश्चाताप हुआ, राजा ने भोजन नहीं किया, दूसरे दिन भी भोजन नहीं किया, तीसरे दिन भी भोजन नहीं किया, सभा में भी नहीं गया। 3 दिन से राजा सभा में नहीं आया, मंत्री को चिंता हुई, मंत्री गया, राजा आपकी क्या बात है, क्या तबीयत खराब है, क्या होना है? राजा बोला मेरी तबीयत खराब है। क्या होता? बोले रात को मेरे को एक भूत दिखता है। बोले भूत क्या बोलता है? बोले वो भूत के हाथ आते हैं, बोले उसके दोनों हाथ यदि तुम काट दो तो मैं फिर सभा में आऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। राजा चाहता था कि मैं इस हाथ से भगवान के प्रसाद को स्पर्श नहीं किया तो मेरे ये दोनों हाथ काट ले, और ऐसे तो ये लोग काटेंगे नहीं। तो राजा ने खिड़की के बाहर अपने दोनों हाथ निकाल दिए। रात को 12 बजे मंत्री वहीं सो गया। अब 12 बजे उसने अंधेरे में हाथ बाहर निकाले कि मंत्री मेरा हाथ तोड़ देगा। मंत्री ने तलवार से वो दोनों हाथ काट लिया और देखे तो ये तो राजा के हाथ हैं। मंत्री रोने लगा तो राजा ने कहा ये मेरी इच्छा से हुआ सब। तो बोले प्रभु राजा ने ऐसा आपने क्यों कराया? तो राजा ने सारी कहानी सुनाई। राजा भजन में लग गया। अब भगवान को चिंता हुई और उस हाथ को ले जाके गाड़ दो बोले। वहाँ पर मंदिर के सामने उस हाथ को गाड़ा गया और वहाँ पर एक वृक्ष आया और उसमें हाथ जैसे ही दोनों निकलने लगे राजा के, और राजा के दोनों हाथ भी आ गए। उस राजा के फिर दोनों हाथ भी आ गए। जब प्रसाद लाया भगवान ने बोला जाओ मेरे राजा को प्रसाद दे के आओ। तो बोले राजा ने तुम्हारे प्रसाद का अपमान किया था। बोले नहीं, अब मेरा राजा मेरे प्रसाद के योग्य हो गया, प्रसाद लेके जाओ। और जब प्रसाद आया तो राजा हाथ करने लगा, तो हाथ कहाँ से करे, दोनों हाथ छोटे हो गए थे। तो राजा के दोनों हाथ इतने सुंदर जैसे पहले के थे वैसे के वैसे आ गए उसी राजा के हाथ। भक्तमाल में ये कथा है, जगन्नाथपुरी का राजा था, राजा का नाम गाम सब दिया। भक्तमाल की ये कथा है, मन घड़त कथा हम कभी भी गुरु जी की कृपा से गुरु जी की आज्ञा से नहीं सुनाते हैं, जोड़ी जुड़ी कथा नहीं सुनाते हम, क्योंकि हमें किसी को रिझाना नहीं, केवल गोविंद को रिझाना है। और हम ये कथा कहते भी नहीं है, भगवान कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं। तो इस तरह से प्रसाद का अपना महत्व है, पर ये नहीं कि बीच बीच में प्रसाद के लिए उठ जाओ बैठ जाओ, एकाग्रता से कथा सुनी जाए। और बड़े माता जी के शब्दों में सुनो तो कथा सुनते समय बोले तुम मर जाओ, माता जी मरी मरी का ज्ञान बैठो, अपने आप को ऐसे समझा मरी हुई है, सारे संसार की चिंता छोड़ के भजन ही बसावे जगी विसरावे। महाराष्ट्र के संत कवि कहते हैं कि भजन में जब बैठ जाओ, जब जगत को भूल जाओ, देह को भूल जाओ, केवल एक गोविंद याद रहे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरे को भगवान की कथा सुनिए, कोई कथा का एक शब्द भी मेरे दंगम हो जाए और मेरा जीवन बदल जाए और मैं भगवान को समर्पित हो जाऊँ, मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरे विचार, मेरे सब कुछ मेरे भगवान के लिए हो, समर्पित भाव से ऐसा हो। मैं साचो समर्पण साचा भाव तेरे, मेरा सच्चा समर्पण सच्चे भाव से भगवान तेरे लिए है और किसी के लिए, मेरा जीवन तेरे लिए, मैं जीता हूँ तेरे लिए और मैं मरता भी हूँ तो तेरे लिए, हंसता हूँ तेरे लिए, रोता हूँ तो तेरे लिए, जागता हूँ तो तेरे लिए, सोता हूँ तो तेरे लिए। अपनी हर क्रिया भगवान के लिए बनाओ तो हर क्रिया भगवान, तो भगवान की आराधना। यहाँ दमदम पर होती है पूजा, हमें मरने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बातें है, वो दो बंदगी तेरे बस की। हाँ, यहाँ दमदम पर होती है पूजा, अभी तो ये भजन में ये नाम लेते ही नहीं है वो लोग, किधर की किधर ही भजन जुड़ाया। हम तो किसी की गलती नहीं बता सकते हैं, लेकिन वास्तविक ये है यहाँ दमदम पर होती, दमदम पर पूजा मतलब यही सब पूजा, मेरा रोना तेरे लिए, मेरा हंसना तेरे लिए, मेरा गाना तेरे लिए, रसोई बनाना तेरे लिए, गोविंद आएंगे, गोविंद खाएंगे, हाँ मैं रोटी बना रही हूँ, घी चुपड़ रही हूँ, भगवान आएंगे मेरी रोटी खाएंगे, ये बात माखन बिलो रहे भगवान के लिए, भगवान आएंगे। आज मेरे अंगना में आओ घनश्याम, मेरे यशोदा मैया का माखन रोज खाते, आज मेरी गरीबीन का खाओ घनश्याम। अभी भी एक गोपी एक आती थी हमारे यहाँ पहले, तो वहाँ पर एक होम्योपैथिक दवाखाने में, तो बोली मैं माखन की कटोरी कभी कभी बाहर निकाल के रख देती हूँ कि सुना है कि ब्रज में भगवान अभी भी है, तो कभी आके मेरा माखन खा जा, अंदर आके खाए न खाए इसलिए मैं बाहर निकाल के। अब बंदर भी आके खा जाए तो सोचते हैं कि बंदर के रूप में वो ही आया और बंदर का रूप लेके आया था, खा गया।
सब रूप में तो वही है, ऐसा ही भाव रखना चाहिए, जब ही तो भगवान मिलते हैं। ध्यान देना, एक दिन साईं बाबा ने कह दिया था किसी भक्त को, भक्त ने कहा बाबा मेरे आज भोजन को आना। बोले आऊँगा। तो अब बेचारे ने खीर रोटी बना के रखी, बाबा तो गए नहीं, तो बाबा नहीं गए तो एक कुत्ता चले गया। तो अब वो बैठा बैठा बाहर देख रहा है, जाके कुत्ते ने खीर को मुंह लगा लिया, उसने लकड़ी की मारी। शाम को आया, बोले बाबा तुमने बोला मैं आऊँगा, मैंने खीर रोटी बना के रखी, आप आए नहीं। बोले मैं तो आया, तूने मेरे को लकड़ी से मार दिया। बाबा के पीठ पे लकड़ी की निशान देख, बोले मेरे पीठ पे। बोले बाबा आप कब आए, मैंने कब आपको लकड़ी के मारे। बोले याद कर। बोले बाबा वो तो एक कुत्ता आया था। बाबा बोले वो मैं ही था। पता नहीं भगवान किस रूप में आ जाते हैं, इसलिए नारायण किस रूप में मिल जाए भगवान, तो भगवान की भक्ति करने की दृष्टि संत देते, गुरु देते हैं, सृष्टि नहीं बदलते। और सृष्टि को बदलने की ज़रूरत भी नहीं है, दृष्टि ही बदलने की जरूरत। जो भी आए उसमें अपना भगवान का रूप दे, चाहे गरीब श्रीमान आवे तो बड़ा सत्कार करो, गरीब आवे तो मुँह बिछकाओ, तो भगवान को पसंद नहीं। भगवान कहते हैं मैं सब रूप में हूँ। रमन महर्षि नाम सुना होगा, संत हुए रमन महर्षि। तो रमन महर्षि के बारे में किसी ने लिख दिया, वो सुबह सुबह जाते थे, उनको भगवान के दर्शन होते। तो एक पादरी उनके पास आया कि बोले आपके बारे में सुना कि आपको रोज भगवान के दर्शन होते हैं। बोले हाँ। बोले हमको करा देंगे? बोले हाँ करा देंगे। तो उनके पास रह गए, सुबह सुबह वो गए, पर सुबह सुबह भगवान के दर्शन को जाते, उनको दर्शन होते गए। गए तो एक झुपड़ी में घुस गए, झुपड़ी में घुस गए तो गरीब थे, कोड़ी थे वो लोग, को गरीब थे कोड़ी थे, उनकी खूब सेवा की उन्होंने, मलहम पट्टी की, दवा पानी की, उनको खिलाया पिलाया, बाहर आए। बोले हमको सीताराम जी के दर्शन नहीं कराए। बोले चलो अंदर। और चले वो दोनों पति पत्नी दर्शन। बोले यही सीताराम है मेरे, यही सीताराम है, इनके दर्शन करने में रोज आता हूँ। तुमको इसमें सीताराम दिखता है नहीं दिखता मेरे को नहीं मालूम, मेरे को इन दोनों में सीताराम दिखते, यही मेरे सीताराम है, इनके दर्शन कर। एक मन घड़त कथा है, नहीं है ये वास्तविक कथा है, और इन कथाओं से ही हमको कुछ थोड़ा बहुत मिल सकता अपने जीवन में, यदि हम उतारना चाहें तो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान। भगवान 64 दिन में 64 कला सीखे। भगवान ने नाचने की कला भी सीखी, रंगोली निकालने की कला भी सीखी, हास्य कला भी सीखी, ये गुब्बारे लगाने की, ये सजाने की, ये भी सब कलाएँ सीखी भगवान ने, सब सब कलाएँ सीखी। वीरता भी सीखी है, धनुष बाण चलाना भी सीखा, तलवार भी सीखा है, सारी सारी। और भगवान को क्या सीखना है, वो तो केवल यदयत करो, जिस जैसा जैसा महापुरुष आचरण करते हैं ऐसा ही इतर लोग भी करते हैं, इसलिए भगवान पढ़ते हैं सबको, शिक्षा दीक्षा देने के लिए भगवान, गुरु की महिमा बढ़ाने के लिए गुरुकुल में रहते हैं और गुरु जी के पास पढ़ते हैं। तो भगवान को पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सब पढ़े पुढ़ा है, उनको क्या पढ़ना है। तो इस तरह से भगवान की पढ़ाई की बात आती है। उसके बाद में भगवान एक दिन बड़े उदास बैठे हुए थे, और उद्धव आया, भभगवान रो रहे थे एकांत में। तो उद्धव ने पूछा कि प्रभु आप क्यों रो रहे हैं। भगवान ने कहा कि मुझे वृंदावन की याद आ रही है, मुझे मेरी मैया की याद आ रही है, मुझे मेरी बाबा की याद आ रही है, मेरे मैया बाबा मेरे विरह में रोते रहते हैं। अरे उद्धव मेरे विरह में तो मेरी गैया बछड़े भी रोते हैं, मेरी राधा, मेरी गोपिया, मेरे ग्वाल बाल। शाम के समय मथुरा की तरफ मुँह करके मथुरा के रास्ते पर आके ग्वाल बाल बैठ जाते थे और देखते थे कि कन्हैया का रथ आएगा, और कन्हैया का रथ जब नहीं आता है तो क्या कहते हैं, बाबा मैया लालो आज भी ना आयो, बाबा लालो आज भी ना आयो। ग्वाल बाल रोने लगते, मैया बाबा भी रोने लगती, और गोपियाँ भी बाट देखते देखते रोती रहती थी। मीत मन का मदन ये मोहन कहा, के परसों गया बीत बरसो गया, परसों का कह के गए, बरसों बीत गए अभी तक नहीं आया। तो भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव धावत होगी नहीं सुख सो, नहीं शीश के बाल सुकावत होगी, देखत होगी बहुत सपना
वो तो पंडित रोज बुलावत होंगी, घर कामिनी काग उड़ावत होंगी। मेरी गोपिया मेरी निरंतर बाट देखती रहती हैं। कभी कभी तो उनको लगता है कन्हैया हमारे पास ही है, क्योंकि भगवान ने कहा वृंदावनम परित्यज्यं पादमेकं न गच्छति, मैं वृंदावन का कभी त्याग नहीं करूँगा। पर फिर भी कभी कभी गोपियाँ उनके विरह में रोती थी, कभी कभी लगता था संग अंग संग में है। ये तो भगवान के प्रेम की महिमा है, प्रेमी की बात तो प्रेमी ही जान सकता है, सब कोई इन बातों को नहीं जान सकते हैं। उद्धव तो एक बार उद्धव ने कहा प्रभु आपने बहुत बड़ी गलती की। बोले क्या गलती की? आपने उनको अपने स्वरूप को नहीं बताया कि मैं सच्चिदानंद रूप हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, मैं व्यापक हूँ, ये क्यों नहीं बताया आपने? आपने उनको भ्रमा दिया है प्रभु, इसलिए अब आपने उनको ज्ञान देना चाहिए। आप उनको ज्ञान देकर आओ। भगवान ने बोला मेरे को तो ज्ञान है नहीं, और तेरे पास ज्ञान ज़्यादा है, उधर तू उनको ज्ञान दे के आ जा। भगवान की भाषा में तो मधुरता थी और रहस्य भी था। उद्धव जी ने कहा आप कहते हो तो मैं चले जाऊंगा, लेकिन मेरी ज्ञान की भाषा वो पढ़ी लिखी नहीं तो कैसे समझ लेंगे? भगवान समझ गए कि उद्धव को थोड़ा ज्ञान का अभिमान है, इनका ज्ञान नष्ट हो जाए अभिमान ज्ञान का, और गोपियों को यदि ये ज्ञान की बात समझ में आएगी तो उनका रोना थोड़ा कम हो जाए। इसलिए ज्ञान और प्रेम का कलह यहाँ पर होता है, और भगवान उद्धव को भेजते, उद्धव जाते हैं। चले मथुरा से कुछ दूर पर, जब वृंदावन निकट आया, वही से ज्ञान प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में काटे लगे उद्धव को समझाने, तेरे प्रेम पुस्तक को फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। क्यों है प्रेम जगत में सार हो सा रे, और कोई सार नहीं है। है प्रेम जगत में सार हो सार, और कोई सार नहीं है। है प्रेम जगत में सार और कोई। आज तो हम बोले थे रुक्मिणी विवाह तक की कथा हो जाएंगी, कल पूरी कथा करना है, और परसों कल ही प्रसाद बांट के समाप्ति कर दो सबसे अच्छा रहेगा। कल शाम को ही भागवत की समाप्ति हो जाने पहले सोचा थोड़ी सी देर की परसों कथा हो गए और भंडारा कर लेंगे, अमावस्या का दिन है, कुछ लोगों को भोजन प्रसादी मिल जाए अच्छी बात है। और यदि आपके मन में बहुत हो करोगे तो परसों थोड़ा सा सत्संग भजन कर लेंगे, लेकिन कथा के कल समाप्ति और प्रसाद हो जाएगा, वो आगे के भंडारे की आप अपनी सोचना। कोई ब्राह्मण मिल जाए, मैं बोली वो देवेंद्र नाम था क्या था, इसके घर में रहता था ना पहले, मधु के घर में, मधु चली गई क्या, तो वो मिल जाएगा तो पंडित में बोल थोड़ा सा यज्ञ भी करा लेंगे। पुरुषोत्तम मास में तो जितना कुछ कर लो अच्छा ही है, क्यों अधिकत अधिकम फल मिलता है इसमें, थोड़ा करने का ज़्यादा फल मिलता है पुरुषोत्तम मास में। पर ये तुम्हारी सब अपनी इच्छा पे है, क्योंकि धर्म कर्म स्व इच्छा से होना चाहिए। ज़बरदस्ती से हमने आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं, करवाया नहीं, करा नहीं, अभी भी नहीं करेंगे। अभी तो हमारी कथा बिना श्रोता की होती है, ये ऑनलाइन पे कथा चल रही है, पहले की भी कथा आप लोगों ने सुनी है और इस भी कथा को सुन लेना चाहिए। और भगवान की कथा से ही व्यथा मिटती है, मुख्य तो कथा ही है। यदि तुम कथा प्रेम से नहीं सुनो, उनको भंडारा करो और खूब तैयारी करो कथा सुनने में, नहीं आओ मुझे तो ये पहले से ही पसंद नहीं था, इसीलिए आप लोग सब साक्षी है कि मैंने रात में कथा करी थी और 8 नंबर के सामने आठ रात को कथा हुई थी, तो उसमें ये धुन भी चली थी, राधा रानी हमारी गोरी गोरी की नवल किशोरी, आधे लोग ये बोलते थे आई है कैसी बराबरी में करवाते थे, क्या जो आनंद आता था। लेकिन अब समय समय की बात है, तो इस तरह से अब तो हमारे सबके तुम्हारे हमारे सभा के दिन पता नहीं संसार से कब भी उठ जाएंगे, तो जीवन में अच्छे अच्छे काम करो भैया, इस संसार में हमेशा नहीं रहना है, रहना नहीं देश बिराना है। तो मनुष्य जीवन को सार्थक बनाओ, ऐसा नहीं डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। हम तो जागृत नहीं करते, सपने की बात तो बहुत दूर रही, बोली वृंदावन बिहारी सावधान करती है कथा हम लोगों को, आप लोगों को सावधान कर रही है, गुरुजी सावधान कर रहे हैं, सत्संग सावधान करते हैं। तो कल समाप्ति भी है और आज भगवान
उद्धव को भेजे हैं और उद्धव गया है गोपियों को समझाने के लिए। गोपियों को पहले ही पता चल गया और उद्धव ने जो चिट्ठी ले गए थे उसको उन्होंने फाड़ फाड़ के अपने पास रख ली और पूछा कि उद्धव जी इस पर हमारा नाम कहा। उद्धव ने कहा इसमें तुम्हारा किसी का नाम नहीं। बोले राधा का? बोले राधा का भी नहीं है। बोले आपको पता है कि भगवान सर्वत्र है? बोले हाँ पता है सर्वत्र है। फिर आप रोती क्यों हो? बोले हमारे बहुत सर्वत्र तेरे भगवान है ना, उसको तू ही रख, हमको कौन से भगवान चाहिए। बहुत सुंदर दृष्टांत है, ध्यान देके सुनना आपको समझ में आएगा। एक बार किसी के कार से हवा निकल गई तो उसने पूछा भाई हवा कहाँ मिलेंगी। बोले अरे भैया हवा तो सर्वत्र है, अब बताओ ये सर्वत्र जो हवा है और कार के चक्के की हवा निकल गई तो सर्वत्र की हवा वो कार के चक्के में घुस जाएंगी क्या, कार चलनेगी क्या उस हवा से। गोपियों ने कहा कि कार के चक्के में की हवा निकल गई और उसने पूछा हवा कहाँ है तो उसने बोला अरे भैया हवा तो सर्वत्र है। बोले वो सर्वत्र की हवा काम नहीं आएंगी, कार के चक्के में तो हवा भरनी पड़ती है। तो सर्वत्र भगवान है, हम मानते हैं, हम जानते हैं सब कुछ, पर हमें तो हमारा कृष्ण ही प्रिय है। हमें तो कृष्ण से मिलकर बात कर कर आलिंगन कर कर आनंद आता है। नंद बाबा यशोदा से मिले हैं, नंद बाबा यशोदा रो रहे हैं, रास्ते में ग्वाल बाल खड़े थे, उन्होंने रास्ता पूछा, ग्वाल बाल ने पूछा कि हमारे कन्हैया कब आएंगे। बोले मैं उनका सखा हूँ। ग्वाल बालों ने कहा कभी वो हमारा सखा था, आज बड़े बड़े लोगों का सखा हो गया, हम जैसे छोटे मोटे को लाला भूल गया। नहीं नहीं वो छोटे मोटे को नहीं भूला, वो बहुत ही याद करता, वो आएगा। हमें बताओ नंद बाबा कहाँ है। बोले ये जो पानी की नाली चल रही है ना, इस नाली नाली से चले जाओ नंद बाबा का घर आ जाएगा। ये नाली कोई बर्तन धोने का पानी नहीं है उद्धव जी, ये नाली कपड़े धोने का पानी नहीं है। हमारे नंद बाबा यशोदा गोपिया गैया जब रोती है तो उनके जो आंसू है उनका ये पनाला है, इस पनाले से इस नाली से आगे बढ़ोगे तो नंद बाबा यशोदा का मकान मिल जाएगा। नंद रानी के वहाँ जाती है, नंद बाबा के पास जाते हैं, नंद बाबा एक खाट पे बैठे हैं, दोनों हाथ दाढ़ी के पास लगा रखे हैं, सफ़ेद बाल हो गए, आँखों से प्रेम के आंसू जा रहे हैं, नंद बाबा भगवान का स्मरण कर रहे हैं। उद्धव जी ने आवाज़ लगाया बाबा कौन है भैया, मैं तो मथुरा से आया हूँ, भगवान श्री कृष्ण का सखा हूँ, तुम्हारे लिए संदेश लाया, आओ भैया आओ। कैसा है मेरा लाला? नंद बाबा रो पड़े। लालो आयो है मेरे लालो? नहीं नहीं बाबा लाला नहीं आया है, उनके पीछे थोड़ा काम है, वो बाद में आएंगे, मुझको भेजा। उस समय यशोदा मैया झूला झूला रही, उद्धव जी मैया के पास जाते हैं। मैया, मैया ने कहा कौन है भैया, धीरे धीरे बोल। बोले क्यों? लालू सोए रहे हो, जाग जाएंगे। अरे मैया लालो कहाँ है? बोली झूले में झूल रहा, लाला सो रहा। मैया को कभी कभी लगता मेरा लाला मेरे झूले में सो रहा है। मैया उसको झूला झूलाती, अरे मैया झूले में लाला कहाँ है? मैया को होश आया, अरे अरे वो तो मथुरा चले गया था, ठीक बोलते हो तुम, मैं तो भूल ही गई थी। तू कौन है बाबा? मेरा नाम उद्धव है, मैं कृष्ण का सखा हूँ, लाला कन्हैया ने मुझे आपके लिए भेजा है। मैया आप रो मत, लाला आएंगा। कब आएंगे मेरे लालो? कहाँ है, कैसा है, कहीं दुबला तो नहीं हो गया, माखन खाता है कि नहीं, दूध पीता है कि नहीं? मैं उसे बहुत मना मना के खिलाती थी उद्धव, उद्धव मैं कहती थी ये सब रो दूध पी जा लाला। मैया बस हो गई, अरे लाला देख दाऊ की चोटी कितनी बड़ी हो गई, तेरी चोटी छोटी है, तू सब रो दूध पी ला पी जाएंगे ना, तेरी चोटी दाऊ की जितनी बड़ी हो जाएंगी, तू सब रो पी जा। एक हाथ में चोटी पकड़ता दूध पीता, अरे मैया चोटी तो बड़ी ना है भाई। अरे लाला रात को सो जा, सुबह तक बड़ी हो जाए। मेरा लाला खाता पीता नहीं था, बहुत सताता था, अब खाता है पीता है माखन खाता है, ठीक तो है ना? हाँ मैया तेरा लाला बहुत ठीक है, तेरे को बहुत याद करता है, वह भी तेरे लिए रो। ये तो उद्धव जी ने देखा कि सर्वखिल विदंबर ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म है, ऐसा बताने के लिए मैं आया हूँ। मैं तो केवल वाणी से बोलूँगा सर्वत्र ब्रह्म, इनको तो सर्वत्र ब्रह्म दिखता है। उद्धव जी को अपनी हार नजर आने लगी, उद्धव जी की ज्ञान का अभिमान
उतर गया, उदो सुदो भयो, ऐसा लिख। ज्ञान का रंग नहीं चढ़ा सके पर उद्धव जी पर प्रेम का रंग चढ़ गया। गोपियों के साथ, राधा जी के साथ। यहाँ पर भ्रमर गीत का भी बड़ा सुंदर वर्णन आता है, पर अब कैसे बताएं, समय ही नहीं बताओ। और राधा जी, रुक्मणी जी का विवाह करना है, सुदामा जी का थोड़ा चरित्र है, कल ये सब बातें लेंगे। तो आज उद्धव प्रसंग तक की कथा है, समझो। उद्धव प्रसंग का भी भजन भी गाते हैं हम लोग, है ना? हाँ हाँ, उद्धव प्रसंग का एक भजन गा लेते हैं। उदो कहियो सावरिया से आया करो, उदो कहियो सावरिया आया करो, मिल जाया करो, आया करो, उदो कहियो सावरिया से आया करो, उदो कहियो सावरिया से। कोरी कोरी मटिए की मैं दहिया जमाऊंगी, मैं कोरी कोरी मटिए की मैं मेरो ही माखन खाया करो, उदो कहियो सावरिया से आया करो, उदो कहियो सावरिया से। कब हुन जाऊंगी देने उलाहना, कब हुन जा देने पनघट पे कितने हु सताया करो, पनघट पे ने हु सताया करो, उदो कहियो सावरी आया करो, उदो कहियो सावरिया से आया करो, मिल जाया करो, आया करो, करो उदो कहियो सावरिया से, रू कहियो रूप की प्यासी उदासी मेरी अखिया, रूप की प्यासी उदासी मेरी अखिया, रूप की प्यासी उदासी मेरी अखिया, रूप उदासी मेरी निश दिन नीर बहाया करे, उदो कहियो सावर आया करो, उदो कहियो आया करो, उदो कहियो सावरिया से आया करो, मिल जाया करो, उदो आया शाम मिल जाया करो, उदो कहियो सावरिया से आया। क्या करूँ कछु बस नहीं आली, क्या करूँ कछु बस नहीं आली, पंख नहीं उड़ जाया करे, उदो कहियो सावरिया आया करो, उदो कहियो सावरिया से, उदो कहियो सावरिया से आया करो, मिल जाया करो, उदो कहियो सावरिया आया करो, उदो कहियो सावरिया से आया। मेरे को तो पूरा याद भी नहीं, पर ऐसे गा डाला, थोड़ा बहुत भूल गई, थोड़ा बहुत ये गा, चलो। हाँ
प्यारे है, तो आपको लगता है आपका प्यार भी तो है। तो इस तरह से उद्धव प्रसंग तो बहुत ही समाज से कहना पड़ा, क्योंकि समय है तो बोलता था कि मत कहो, लेकिन मैं कहूँ कि कही दूंगी, आज उद्धव प्रसंग हो जाएगा तो कल रुक्मिणी विवाह भी होना है, और उसके बाद में सुदामा जी का चरित्र भेज लेना है, और उसके बाद में पहले तो भगवान द्वारकाधीश बनेंगे, मथुरा में आ गए हैं, मथुरा से द्वारका जाएंगे, वो भी कथा होंगी, और फिर जरासंध व दादी की भी कथा थोड़ी थोड़ी कह लेंगे, और फिर 24 अवतारों की आदि कथाएँ भी आती है, और पूरे दिन में अपन ने क्या क्या कथा सुनी वो भी हम लोग इसके पहले कथा में भी मैंने बताया है, वैसे सुना होगा तो सबने पूरी, आठवीं दिन की कथा में मैंने बताया कि हमने पहले दिन से आज तक क्या सुना, तो सुना होगा तो बताएंगे। थोड़ा सा उस कथा में इस कथा में थोड़ा सा आपको अंतर भी लगेगा, क्योंकि मेरे साथ ये जो संगीत वाले रहे एक बार दो तीन कथा में, तो बोले कि आप उस समय ये बोले नहीं थे, इस समय ये बोले, उस समय वो बोले नहीं थे, तो प्रभु की लीला है, गुरुदेव जैसे करा लेते कथा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवं। इन्हीं शब्दों के साथ अब भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथ स्नन्तु यथ प्रभु नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम सद्गुरुदेव भगवान। मोर मुकुट बंसी वाले की, गिरिराज धरण की जय। आज तो गिरिराज जी का पूजन हुआ, तो हे गिरधर तेरी आरती को यही गा लेते हैं। धर तेरी मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, प्यारी बंसी ते मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं तेरी, देख छवि बलिहारी मैं। श्री गिरिराज जी बना लो, पूजा कर लेंगे लोग, ऐसे गिरिराज जी जैसे बनाओ ना, श्री ते बिहारी तेरी चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी उन चरणन के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणन के मैं दर्शन, श्री बाके बिहारी तेरी संग में सोहे वृष भानु दुला, संग में सोहे वृष भानु दुला री ललिता विशाखा सखिया सारी, ललिता विशाखा बास सदा वृंदावन को पाऊं मैं, बास सदा वृंदावन को पाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी हूँ मेरे कुंज बिहारी तेरी, आरती गाऊं प्यारे तुम करी जाऊं, उहे गिरधर तेरी श्री कुंज भी। ठाकुर जी को भी यहाँ खड़ा कर लेना, स्वरूप बना के है तो यहाँ खड़ा कर ले उसको भी, और यहाँ पर ना गिरिराज जी बना लो, उनकी पूजा करना है तो कोई को कर लो गिरिराज जी के,
गिरिराज धरण प्रभु तुम। गिरिराज जी की तो आरती हो गई, पूजा करना वो कर ही लेंगे, प्रसाद बांटो। बोले वृंदावन बिहारी लाल मोर मुकुट बंसी वाले की, गिरिराज धरण की जय। गिरिराज धरण की, गिरिराज सोने सोने गिरिराज जी भी बन के आए हैं, उनका भी पूजन करो, उनको चढ़ाओ, उनको चढ़ाना है तो, और तुम्हारे उनकी ही परिक्रमा कर, थोड़ा आगे ले ले गिरिराज जी को। तुलसा जी भी दे दो थोड़ी सी, तुलसा जी चढ़ा दो भैया, दे आगे ना। धोके लाना धोके, आज संडे है क्या? अच्छा इशारा कर रहा है एक दोनों ना, खत्म कर रहा जो कि यो खत्म कर।